हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, आज आंटी जी भी आएंगे। प्रणाम आंटी जी, नमस्ते, राम राम, हरे कृष्ण, हरिओम। वेरी नाइस। तो चलिए, हम चैप्टर टू, हम श्लोक नंबर 32 पे थे जो कल हमने किया था, और यहीं से हम आगे चलेंगे। तो 32 को एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जब हम ये जान जाएंगे कि ये सारे ही मार्ग जो बताए गए हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी मार्ग, जो जो बताए गए हैं और उस तरीके से अगर किया जाएगा तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आगे ऐसे इसके तात्पर्य में कोई ऐसी बात नहीं थी, है तो आप बताएं, अदरवाइज हम 433 पे चलते हैं। 433 से अब नया, जी बिल्कुल, अब जो हमने कहा कि कौन कौन से सेक्रीफाइसेस, यज्ञ, डिफरेंट डिफरेंट यज्ञ जो हैं वो बताए गए थे 6 वर्सेस के अंदर, वो अब बताएंगे उन यज्ञों से किस तरीके से ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ज्ञान योग के अंदर है। पहले कर्म किया, फिर ज्ञान, अब ज्ञान और कर्म को मिला रहे हैं। डिटेल जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, लेकिन यहाँ पे लास्ट सेक्शन में उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। हे परंतप, दिव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतत का गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। मतलब आप ज्ञान करते रहें, कर्म करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसके अंदर तात्पर्य के अंदर कोई चीज हो तो आप बताएं। 433 में अगेन जो हमने कर्म कांड और उसके अंदर डिफरेंस देखा था वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। 432 में तो वही है जो मैंने कल बताया था, कल के रिपीटेड है फोर कि ट्वेंटी इंद्रिया कंट्रोल यज्ञ। हाँ जी, 32 कल का रिपीट है, 33 से हम आज शुरू कर रहे हैं। तो द्रव्य यज्ञ के बारे में बता रखे हैं। द्रव्य यज्ञ होता है जो हवन का होता जी बिल्कुल, है, और ज्ञान यज्ञ होता है जो हमें ज्ञान की हमें इंद्रिया वश में करनी है, निष्काम कर्म करना है, और जो प्रभु का ज्ञान हमें मिल जाता है वो ज्ञान यज्ञ होता है, जब हम शास्त्र वास्त्र पढ़ते हैं और इंद्रिया को वश में करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसमें लगभग बता रखा है कि ज्ञान यज्ञ जो है वो हम जो हवन ववन करते हैं उससे ज्यादा स्पेस यहाँ पे ज्ञान यज्ञ को बता रखा है। जी, मतलब कि अगर जैसे आर्य समाज वाले होते हैं वो यज्ञ करते हैं, और उनकी बात भी सही है कि अगर आप यज्ञ करें तो उससे बहुत आपको फायदा होता है, समाज में फायदा होता है। जैसे यहाँ कोविड की हमने बात करी, तो कोविड जो ना आए उसके लिए ये भी बहुत अच्छा उपाय बताया कि घर के अंदर आप शुद्धि रखें और यज्ञ करते रहें। तो सर्टनली उस यज्ञ से, जिसे हम कहते हैं अग्नि यज्ञ जो होते हैं, फायर सेक्रीफाइसेस, उससे डेफिनेटली फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा जो आपकी इंद्रियाएं हैं या जो कर्म हैं उनके कर्म फलों के जो आप आहुति ज्ञान में लगाएं, उनसे ज़्यादा फायदा आपको होगा, रादर देन आप अग्नि के अंदर जो नॉर्मल आहुति है वो डाल रहे हैं। उससे अच्छा ये है कि आप अपने कर्म फल का त्याग करें। तो आपकी जो मटीरियल पोजेशंस हैं, जो भी भौतिक जिज्ञासाएं हैं, भौतिक डिजायर्स हैं, वो सब धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। दो लाइन मेरे को समझ नहीं आए कि जी यज्ञ कर्म कभी कभार कर्म कांड भी कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड भी। यज्ञ वही स्टेज है जिसका अर्थ ज्ञान से हो, ज्ञान में हो,
लास्ट टू लाइन याद कर लें, हाँ जी ये सब याद हो गया। उसके बाद मेरी मम्मी से भी पूछ लेता, मेरी मम्मी आर्य समाज से है तो उनको यज्ञ, अरे मैंने वाह, काफी जाना इस बारे में। बिल्कुल आर्य समाज की डिस्पेंसरी में चैरिटेबल जॉब कर चुकी है एज ए डॉक्टर वहां पर काफी साल। अरे बोल, वेरी नाइस, बिल्कुल। और सर्टनली मैं भी आर्य समाज में काफ़ी गया हूँ, और अभी भी मैं इंडिया जाता हूँ तो जहाँ पे हम रहते हैं सूरजमल विहार, वहाँ पे एक आर्य समाज का टेम्पल है। तो रेगुलर, पहला एक टाइम था कि वीकली एवरी संडे करते थे, अब वो एवरी डे करते हैं। तो वहीं पे योगा भी होता है, तो पहले योगा करके फिर मैं उनके पास में बैठता था और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक चीज़ उन्होंने मेरे को कही कि आप आते हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी फील किया ये बड़ा स्ट्रेट अवे आप कर सकते हो। यहाँ लंदन में भी एक आर्य समाज टेम्पल है, उसमें भी मैं गया कि अक्सर आर्य समाज में आप देखेंगे तो एक उम्र के ऊपर के ही लोग होते हैं, तो हमारी उम्र के लोग बहुत ही कम मिलते हैं वहाँ पे। वैसे भी स्पिरिचुअल साइड में कम मिलते हैं, लेकिन टेम्पल में चले जाओ फिर भी मिलेंगे, यज्ञ करने बैठे तो बहुत कम। तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्र के बच्चों को आना चाहिए यज्ञ पे, तो मैंने कहा जी बिल्कुल। फिर मैंने कहा भी था कुछ लोगों को कि भी जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो टेम्परेरी गया था, लेकिन वाकई बहुत अच्छा होता है। जैसे कहा कि वो यज्ञ से बहुत फायदा होता है, और यहाँ पे भी हम लंदन में भी गए थे जिस टेम्पल में, वहाँ पे भी यज्ञ ही हो रहा था। लेकिन जो कहा है वो यही है कि ये यज्ञ कर्म कांड की तरह है, अगर इसमें एंड में आपको इस चीज़ का ज्ञान ना मिले कि आपको इंद्रिय तृप्तियों से विरक्त होना है। अगर तो ऐसा हो रहा है कि आप यज्ञ कर रहे हो और उन यज्ञों से आप धीरे धीरे इंद्रियों से विरक्त हो रहे हो, या इंद्रियों से जो चीज़ें हैं, जो डिज़ायर है, उससे मुक्त हो रहे हो आप, तो फिर वो ज्ञान कांड हो गया। लेकिन अगर नहीं हो रहा और सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी आप जा रहे हो, ये फायर के अंदर चीज़ें डाल रहे हो, वेद मंत्र पढ़ रहे हो, लेकिन चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है, कोई आपकी डेली एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो फिर उसको कह रखा है कि वो कर्म कांड है। और ये सिर्फ हम यज्ञ के लिए नहीं, ये हम हर चीज़ के लिए कहते हैं। जैसे हमने टेम्पल की बात करी थी, भाई कोई टेम्पल जाता है मंदिर में, भगवान के सामने माथा टेकता है, आ जाता है वहाँ पे, प्रसाद वसाद ले लिया, पिकनिक विकनिक बना लिया, आ गए। लेकिन वहाँ पे बैठ के अगर भक्तों के साथ नहीं बैठे, भगवान की बातें नहीं करी, धीरे 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 आपका मन वहाँ पे शुद्ध नहीं हो रहा, तो फिर वो ये भी एक तरीके से कर्म कांड है कि हाँ भाई एवरी संडे आप मंदिर जाते हो, चलो हाँ भाई ये हो गया एक चीज़, ये भी हमको एक दिन में करनी होती है। और आजकल काफ़ी फैमिली में इस चीज़ का उठाते हैं, ग्लोरीफिकेशन होती है कि भाई हमारा बच्चा नहीं, एवरी संडे जाता है बच्चा हमारा, नहीं कुछ भी हो, बिजी जितना मर्जी हो, एवरी संडे या जो भी दिन हो, नहीं वो 16 सोमवार की हमारी लड़की रखती है। तो वो जो है वो कहने के लिए रह जाता है, लेकिन उससे अगर कोई तो वो समाज में डेफिनेटली दिखता है कि हाँ नहीं, वो बंदा चेंज हो गया यार, वो देखो वो शिव जी को पानी चढ़ाता था और देखो अब उसका गुस्सा कम हो गया। तो अगर चित्त परिवर्तन हो रहा है तो फायदा है, नहीं हो रहा तो कोई भी चीज़ है, सिर्फ ज्ञान यही नहीं, कोई भी चीज़ है तो वो एज अ फॉर्मेलिटी हो रही है और कर्म कांड हो रहा है, तो इतना कहा जा सकता है। लेकिन बिल्कुल आंटी जी, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं आर्य समाज से रिलेटेड प्लीज। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हेलो। हाँ जी, प्रणाम आंटी। हाँ, मेरे को बोला अविनाश के मदरों में। हाँ जी प्लीज। हाँ, नहीं, मैं तो देखो बचपन से ही जाती हूँ वेरी आर्य समाज। जी, हाँ, क्योंकि हमने जो हमारे दरेगंज का है, दिल्ली में दरेगंज में हमने दयानंद रोड पे पूरा आर्य समाज अपने हाथों से बनाया, गारा मिट्टी अपने हाथों से उठाया था। तो बहुत मेरे जितने नानके साइड, दादके साइड, मेरे फादर सब, मेरी दादी आर्य समाज से रिलेटेड आपस में जुड़े हुए थे। हाँ जी भाई, और मैं दादी तो आर्य समाज में प्राप्त वो थी, म्यूजिक टीचर थी। अभी तक उनका बाजा हमारे पास है, हारमोनियम। तो अच्छा हाँ, तो वो जो आनंद मिलता है आर्य समाज में, उन मंत्रों का उच्चारण का, शुद्धता का, वो जी, जो एहसास हमारे को वाकई में एक नई दुनिया में ले जाता है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब हम इस दुनिया से फिर भी कुछ उठ जाते हैं, अच्छे कर्म करने लगते हैं। आप ये वही जो है कर्म कांड, जो ये ज्ञान उत्पन्न, ज्ञान की भाषा जो कह रहे हैं वही हो जाता है हमारे दिमाग में। जी हम थोड़ा इस ऑर्डिनरी दुनिया से अलग फील करते हैं कि देखो हम थोड़े ज्ञानी हैं, हमें जी मंत्र आते हैं,
वो हमारे पिताजी रात को सोने से पहले ओम पूर्वास्वा का पाठ जरूर करवाते थे, सूर्य योगा, इसके अविनाश के नाना योगा करवाते थे हमारे को, चिकनी मिट्टी लगा के। अच्छा। तो जो आर्य समाज है, मैं आज तक सेवा कर रही हूँ, देखो इस समय मैं 64 इयर्स की हो गई हूँ, टिल आई एम गोइंग टू आर्य समाज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, तो ये नहीं कि मैंने सनातन भी छोड़ दिया, मैं अपने घर में सबसे पहले मैं सनातन थी, जबकि मेरे घर में सारे वो आर्य समाजी थे और मैं ही सिर्फ सनातन धर्म को मैंने अपनाया था। अच्छा। तो मैंने शंकर की पूजा शुरू करी थी और कृष्ण शंकर जी जी, तो यही मूर्तियां मैं लाई थी। बाद में तो मेरे भाई भी उस तरफ चले गए थे, वो भी अपना फिर उन्होंने भी मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी थी जी। तो उसके बाद फिर ये कि हम लोग वो जो वेदों का प्रचार है, वेदों का ज्ञान है, वही आर्य समाज है, और अपने बच्चों के अंदर ये चीजें डालना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझको मुझको याद है, जब मैं योगा करता था तब मैंने वहाँ पे पूछा था, स्कूल टाइम की बात है, कि भाई मेरे को वेद पुराण पढ़ने हैं। तो किसी ने मेरे को कि अगर आपको वेद पुराण पढ़ने हैं तो सबसे अच्छे जो आपको पढ़ा पाएंगे, जो पढ़ते हैं, वो आर्य समाज वाले हैं, तो आप उनके पास। बिल्कुल जी। तो फिर गांधीनगर में थे। तो अगर हमारे घर में बच्चा पैदा होता है या कोई मृत्यु होती है या कुछ है, वो अविनाश को पता है, हमारे समाज से पंडित को बुलाते हैं, जो क्योंकि उनका जो उच्चारण है संस्कृत का, श्लोक का उच्चारण है, वो सनातन लोगों से अलग है। हाँ जी, बिल्कुल। और वो वैदिक रीति रिवाज से करते हैं, सनातनी तो सनातन से कर दिया, तो ये बोल वो बोल दिया, कुछ मतलब स्पष्टता नहीं होती है। पर जो आर्य समाज जी है वो एक स्पष्ट रूप से एक एक चीज को करते हैं। तो हमारे घर में सिर्फ अभी भी ससुराल में भी आर्य समाज जी मंदिर पंडित को ही बुलाया जाता है। अच्छा जी जी, बिल्कुल। हाँ, बस यही है कर्म कांड और ज्ञान कांड का, मैं तो यही फर्क समझती हूँ जी। नहीं, ज्ञान में को समझ नहीं, कर्म कांड आपने बता दिया, ज्ञान कांड आपने बताया। भाई कर्म में तो आपको वही ना, सिर से ऊपर से निकल के आप गए, आपने सुना और आपके सिर से निकल गई बात। ज्ञान में आप आते हैं तो कुछ लेके आते हैं, उसको जैसे इन्होंने बताया भाई, वो उसने मंदिर में शिव को पानी चढ़ाया तो उसके बाद उसका मन शांत होने लग गया, तो ये ज्ञान आया ना उसके अंदर। कर्म में तो आ गए, वही गुस्सा कर रहा है, वही लड़ रहा है, वही गाली गलौज दे रहे, तो वो कोई फायदा नहीं, ऐसे यज्ञ और ऐसी पूजा करने का कोई फायदा नहीं है ना, वो कर्म में चला जाता है। यहाँ तो ज्ञान कांड को भी गलत बता रखा है, तभी मैं कह रहा था एक भाई, भैया आप समझाओ कि ज्ञान कांड कैसे गलत है, कर्म कांड तो गलत है पर तो क्या, बट ज्ञान कांड कैसे गलत है? नहीं, ज्ञान को उन्होंने कहाँ बुरा बताया बेटा, कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी कभी ज्ञान कांड कहलाते हैं। ज्ञान वो कह रहे कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड, डिफरेंस उसने बोला है बेटा। ज्ञान से ज्ञान आएगा, कर्म से कर्म आएगा, क्रिया आएगी। ओके, ठीक है, आगे। हाँ, अगर वो ज्ञान ले रहे हैं तो ज्ञान से यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। ज्ञान कांड हो गया ना, कि ज्ञान कांड हो गया कि आपने ज्ञान ले लिया, जैसे आप मंदिर चले गए, आपने सुन लिया, बट काम इंद्रिया तो तब भी तृप्त नहीं हुई, तो ज्ञान कांड भी खराब है, तभी कहना भैया बताएंगे क्या सही है क्या नहीं। तू भी तो ज्ञानी हो गया ना बेटा, मैं भी ज्ञानी हूँ, तू भी ज्ञानी है, तुम अच्छी बातें। सारे बुरे काम कर रहे हैं तब क्या फायदा, चलो अभी बताते भैया बताएंगे, उनसे पूछते हैं, उनसे क्लास में पढ़ रहे। चलो ठीक है, ओके जी जी जी। हाँ जी, अरे वाह, मम्मी जी भी आई है साथ में, प्रणाम। आज भैया सब लोग आ गए, मम्मी जी आपको भी प्रणाम, सबकी मम्मी को प्रणाम आई जी। तो नहीं, बिल्कुल ये जैसे आंटी जी ने बताया, बिल्कुल सही है कि यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ, और अगेन रिलेटिव है कि कंपैरिजन है कि कर्म कांड है अगर कोई परिवर्तन नहीं आया, और अगर ज्ञान आया तो ज्ञान कांड है, जो कर्म कांड से अच्छा है। लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो पता लगेगा कि भाई ज्ञान कांड से और क्या अच्छा है, वो हमको और आगे क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे ये यह है कि हाँ, अगर वो सिर्फ आप कर रहे हो और उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो सिर्फ एक कर्म कांड की तरह आप कर रहे हो कि हाँ कोई मेरे को फायदा होता होगा, कि शिव जी के ऊपर पानी डाल रहे हैं, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शिव जी कुछ खुश होकर ही हमको दे देंगे, तो वो कर्म कांड। मेरा क्वेश्चन वही तो है, जो मम्मी नहीं समझी आप भी नहीं समझ रहे थी जी जी। ज्ञान कांड भी तो खराब है, हमने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, आप कह रहे हो मंदिर गए पानी चढ़ाया, बट इंद्र तृप्तियां नहीं हुई,
मान लो भगवद गीता पढ़ ली हमने, सारे उपनिषद पढ़ लिए, तब भी जी हमारी इंद्रिय तृप्तियां नहीं है, तब तो वो ज्ञान कांड है, वो भी तो खराब है ज्ञान कांड हाँ नहीं। मेरे ज्ञान अरे को बेटा समझिए, हम भी ज्ञान है, समझ रियल मीनिंग सोचो ना, ज्ञान विद्या अपने हृदय से देखो, ज्ञान को आप जनरल मत देखो, एक इस जमीन में पृथ्वी कांड की तरह मत देखो, एक ज्ञान जो मैंने लिया है, मैंने अर्जित किया तो मैं ज्ञानी हूँ, अपने मन से हो जाऊंगी, जो संत लोग रह रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो बेटा उनके ज्ञान का सोचो, आप ये डुप्लीकेट ज्ञानियों का मत सोचो ना, कि जो वेद पढ़ के सुना रहे हैं और घर जाके वो करोड़ों कमा रहे हैं, उसकी तरफ मत जाइए। उसी ज्ञानी को तो जो ज्ञान तरसने को कांड कह रहे तैयार थे है, कुछ बेटे। छोड़ने को तैयार है, और ज्ञान को ज्ञान लो, यू एक्सेप्ट ज्ञान एज ए ज्ञान, ठीक है है ना। अगर मैं पढ़ गई, किताबें पढ़ गई और मैंने डॉक्टरी करके नोट कमा लिया, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। एक डॉक्टर जो जाके फ्री में सेवा कर रहा था, वो ज्ञानी है, समझ आई? एक ज्ञान का क्या फायदा हो सकता है। आगे 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 चलो आगे हाँ जी बिल्कुल, ये अविनाश और आगे क्लियर होगा। लेकिन हाँ आंटी जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, इन अ सेंस कि भाई जो यहाँ पे जो ज्ञान कांड है वो उस चीज को ही कह रहे हैं कि आपको फर्क पड़ा है, आपके सेंसेस कंट्रोल हुए हैं उस ज्ञान से। जैसे हम कहते हैं ज्ञानी जो हैं उसको काफी तरीके के हैं, जैसे जो अष्टांगी मानेंगे वो भी ज्ञान मार्ग ही मानेंगे, अष्टांग योग करके जिन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। तो बड़ी कैटेगरी है यहाँ पे ज्ञान कांड की, लेकिन इफेक्टिव है। यहाँ पे जिस चीज के बारे में बात की है वो जिन्होंने इंद्रिय तृप्त कर ली उनकी बात हो रही है। तो लेकिन हम आगे चलते हैं, चलते ये और ओके क्लियर होगा। 434, इसको अगर हम पढ़ें, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, सर्व रूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ये बहुत अच्छा वर्स है, और भी अच्छे वर्सेस हैं, लेकिन इस वर्स के अंदर साफ साफ बता रखा है कि क्वेश्चन हमें कैसे पूछना चाहिए। कि अगर हम अगर गुरु से क्वेश्चन पूछते हैं, पहले तो हमें गुरु ढूंढना चाहिए कोई भी अच्छे से, जैसे हम कहते हैं गुरु के अंदर कौन सी क्वालिटीज है। लेकिन गुरु ढूंढने के बाद हमें क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, जैसे पहले पूछते थे, पहले जो टाइम होता था अगर देखें गुरुकुल में जाकर रहते थे, वहां पे आप गुरु को चैलेंज नहीं करते थे, लेकिन आप उनके पास रहते थे, उनकी सेवा करते थे। और सेवा का क्या मतलब है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के पास रहे, उनकी सारी बातों से वो एग्री नहीं थे। जैसे सबसे पहले जो उनके जो गुरु जी हैं उन्होंने उनको अश्व गीता दी थी, तो उन्होंने वो उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने आके कहा कि ये बहुत गलत लिखा है इसके अंदर, ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, वो अद्वैत की फिलॉसफी है। तो उन्होंने मना कर दिया था बिल्कुल उस चीज को, लेकिन उस टाइम भी वो उनकी सेवा करते थे, अपने गुरु की सेवा का मतलब उनके पास रहते थे, उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। ऐसा नहीं कि उनकी सेवा का मतलब उनके घर की कोई सब्जी वब्जी लेकर आते थे। और लेकिन जो क्वेश्चन पूछते थे वो विनीत जिज्ञासा से पूछते थे। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि भाई हमें ऐसे पूछना चाहिए, और जो ज्ञानी है वो हमें दे सकता है, क्यों, क्योंकि उसने वो देखा है। अगेन यहाँ पे ये नहीं कहा कि वो सत्य है, हमको गुरु ही चाहिए, कि गुरु ही हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है, नहीं। लेकिन गुरु हमको रास्ता बता सकता है, क्यों, क्योंकि वो जा चुका है। अगेन वही वाला एग्जाम्पल कि कोई दुबई से अबू धाबी जा चुका है तो वो हमको बता सकता है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो सिर्फ गुरु का इतना ही काम है, लेकिन हाँ अगर हमको चैलेंज हो के नहीं, उसको गुरु के पास अच्छे से रह के हमको ये चीज पूछनी है। अगेन ये पुराने टाइम में ऐसा होता था कि गुरु के साथ फिजिकली रहते थे, अभी ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमने कहा शास्त्रों में दो चीजें आती हैं, एक आती है वाणी, एक आती है वापू। वापू सेवा होती है जो फिजिकल सेवा करते हैं, जो बुजुर्ग गुरु होते हैं आप देखेंगे उनके पास में हमेशा कोई ना कोई एक होते हैं जो उनकी सेवा के लिए होते हैं। लेकिन वाणी सेवा होती है कि उनकी जो वाणी है, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं या जो ऑडियोज हैं या जो भी उनके निर्देश हैं उनको आप पालन करते हो, तो वापू से ज्यादा वाणी को कहते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर आपने कहा मेरा डॉक्टर है, मेरा डॉक्टर है बहुत अच्छा है, लेकिन डॉक्टर ने जो दवाई दी वो नहीं ली। तो ऐसे ही लोग अक्सर कहते हैं नहीं मेरा गुरु है, बहुत अच्छा गुरु है, अरे हम तो वहां पे ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, लेकिन जो गुरु कहता है वो नहीं करते।
ऐसा कई बार होता है कि भाई अगर कोई भी कहे कि भाई गुरु अच्छा है, और अविनाश जैसे आपने कहा कि भाई अपने जो गुरुजी चल रहे हैं आजकल बहुत चल रहे हैं, तो किसी से पूछे तो वो गुरुजी का संदेश क्या है, जैसे मैंने पूछा था वहां पे कि गुरुजी क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, हम अपनी लाइफ में कैसे सुधारें अपने आप को, उन्होंने कहा कुछ नहीं, यहाँ पर आओ प्रसाद खाओ शब्द सुनो आपका सब कुछ हो जाएगा। मैंने कहा और इससे ज्यादा गुरु जी की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है जो फॉलो करनी चाहिए? तो कहते नहीं ऐसी तो कुछ याद नहीं कि, मतलब ये मैंने सीनियर डिवोटी जो कई सालों से फॉलो कर रहे थे उनसे पूछा था, लेकिन गुरु अगर है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, तो ये काफी अच्छा है, पढ़ी पाते ना ये आता है कि किस तरीके से गुरु से पूछना चाहिए, प्रति प्रश्न सेवया। तो तात्पर्य में कोई चीज हो तो प्लीज बताएं। एक तो सबसे मेन चीज ये लिखी है कि क्योंकि इस ज्ञान देने की प्रारंभ कृष्ण भगवान ने ही करी थी। उन्होंने सबसे पहले 4.1 श्लोक में दिखा दिया था कि सबसे पहले ये मैंने ज्ञान सूर्य को दिया था आज से बिल्कुल 2 करोड़ साल पहले। तो सबसे हमारे तो श्लोक में तो ये बता रखा है कि हमारे तात्पर्य में कि हमारे आदि गुरु हमारे परम गुरु, तुम तो किसी भी गुरु के पास चले जाओ बट हमारे परम गुरु जो है वो भगवान कृष्ण ही रहेंगे क्योंकि उन्होंने ही हमें ये ज्ञान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखें ये वो लिख रहे हैं जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, ये उनका तात्पर्य है, वो ये नहीं कह रहे कि मैं हूं मेरे को मानो, उनको भी हम शिक्षा गुरु मानते हैं कि उन्होंने शिक्षा दी है कि भगवान कौन है बस, और भगवान कौन है, भगवान कृष्ण। दूसरी चीज ये लिखिए, कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके प्रसिद्ध नहीं बन सकता, जैसे आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। बिल्कुल भैया एक तो मेरे को ये बता दो निजी विधि क्या है, और दूसरी चीज मुझे ये बता दो कि यहाँ श्लोक में लिखा है कि उस गुरु के पास जाओ क्योंकि उन्हें सत्य के दर्शन किए हैं। अब हाँ मान लो जी मैं किसी गुरु के पास जाऊँ, मेरे को कैसे पता चलेगा कि उसने सत्य के दर्शन किए? हाउ आई जी कैन? बिल्कुल एक बिल्कुल ही क्वेश्चन, और एक ही निजी विधि की होती है जो सबने अपनी मूर्ख पखंडी बना के सबने अपनी अपनी विधि बना ली है। व्हाट इज दिस? ये दो चीजों को एक्सप्लेन कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कभी कभी इसलिए मैं साथ में इंग्लिश का भी खोल के रखता हूँ, इससे बड़ा काम आता है। लेकिन निजी पर्सनल और विधि कोई चीज़ एकत्र करना मतलब यही है कि जो गुरु है वो आपसे ना ही किसी चीज़ के कोई पैसा मांगता है, ना ही कोई आपसे सामग्री मांगता है, अपनी पर्सनल वो कुछ एसेट्स नहीं बनाने लगता, मतलब जो भी उपदेश दे रहा है गुरु आपको, यहाँ पे लिखा है गुरु से आपको शिक्षा लेनी है, लेकिन गुरु वो शिक्षा आपको देगा तो उसके लिए वो पर्सनली कुछ मांग नहीं रहा आपसे। और ऐसा ही होता था पहले पहले कोई, आज भी बल्कि अगर आप स्पिरिचुअल कोई गुरु बनाते हो तो आपको कुछ देना नहीं होता वो गुरु को, कि कोई मंथली फीस हो या कोई पहली बार में कुछ निजी निजी विधि की बारी हो रही है, कोई निजी प्रैक्टिस विधि, कोई निजी तरीका। विधि। हाँ विधि विधि में बहुत सारी चीजें आती हैं, पहले क्या होता था, और ये अपने जैसे आजकल हर आश्रम ने अपनी अपनी टेक्निक बना रखी है, किसी ने राजयोगा बना रखा है, किसी ने ईशा ईशा योगा बना रखा है, किसी जी ने जी 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 बिल्कुल श्री श्री ने अपना अपनी मेडिटेशन वाली, सबने अपनी अपनी निजी विधि बना रखी है। हाँ। वो भी उसी के अंदर है कि आप कुछ भी अपना नया, जैसे बार 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 ये बात होती थी कि भाई कि भगवान ये कहते थे कि अपने प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि भाई इस्कॉन जो है कभी भी आप ये ना मानो कि मैंने कोई नई चीज़ बनाई है, क्योंकि लोग बड़ा उनकी तारीफ करते थे, भाई प्रभुपाद जी आपने इतने सारे, आप मतलब आए थे 40 रुपए थे अमेरिका में, आपके पास रहने को खाने को कुछ भी नहीं था, अभी देखो आपने कितने सारे मंदिर बना दिए हैं, आपने तो क्या इस्कॉन बना दिया है, वो बार बार यही कहते थे मैंने कुछ नहीं नया किया है, ये गौड़िया संप्रदाय है, ब्रह्मा माधवा गौड़िया संप्रदाय वो है और वो पुराना है, वो भगवान का है, वो भगवान की जो गुरु परंपरा आ रही है वही मैंने यहाँ पे आगे की है, सिर्फ यहाँ पे क्योंकि अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना होता है इस वजह से मेरे को ये बनानी पड़ी, और उस टाइम पे आप सोचो 4-5 उनके साथ में लोग थे, तब उन्होंने नाम रखा था उसका इंटरनेशनल, तब कोई कह सकता था कि ये चीज़ इंटरनेशनल बनेगी इस्कॉन, लेकिन तब उनको विश्वास था। तो बिल्कुल ये सारी चीजें हैं कि गुरु जब आपको शिक्षा देगा तो वो जो शिक्षा होगी वो भी प्रमाणिक होगी, राइट, वो जैसे यहाँ पे बात हुई कि भगवान कृष्ण का जो है वो गुरु शिष्य डिसाइपल सक्सेशन से आएगा, वो किसी परंपरा का होगा कोई गुरु, ऐसा नहीं कि कोई भी गुरु उठ के कुछ भी दे देगा,
और जो आपको देगा वो शिक्षा देगा, उसके लिए वो अपने लिए कुछ लेगा भी नहीं। तो और इसमें आप सही कह रहे हैं, विधि है, विधि में सब कुछ है, विधि में नई कोई टेक्निक नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कोई नई टेक्निक नहीं है इसके अंदर। जो चैंटिंग बता रहे हैं, 500 साल पहले वो चैंटिंग होती थी, हरे कृष्णा महामंत्र का, चैतन्य महाप्रभु जी करते थे, करीबन 500 550 साल पहले वो आए थे, और वृंदावन में कई सालों से कर रहे हैं, और इस्कॉन तो अभी 50 साल पुराना ही बना है बस। तो बिल्कुल उसी तरीके से कोई भी, तभी अगर कोई भी गुरु बने, आपने दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा कि गुरु का कैसे पता लगे। गुरु को पता करने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप यही पूछें कि भाई कौन सी परंपरा से वो हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई आपको कोई टीचर पढ़ाने आएगा, या स्कूल में अपना आजकल जॉब के लिए अगर आप जाओ, कोई पूछे कि भाई कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है आपने, है? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, कहाँ से डॉक्टर हो? अगर वो ऐसा कोई नाम बताए जो आपको मालूम ही नहीं, आप लोग यार पता नहीं कहाँ से डॉक्टर आ गया, फर्जी तो नहीं है, इग्नू से तो नहीं कर लिया डिस्टेंस लर्निंग का। या हो सकता है कोई कहे कि भाई, मतलब मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा इग्नू की, लेकिन फिर कोई कहे कि मैंने ऑक्सफर्ड से किया है, या IIT से किया है, IIM से करा है, तो आपको पता लग जाता है ये परंपरा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से किया, और वो ऑर्गेनाइजेशन साउंड है, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे अगर वर्ल्ड में आप कहीं चले जाओ, अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मैं, अगर मेरे को पता लगता है ये इस्कॉन के डिवोटी हैं, और अगर मेरे को लगता है ये, पता लगता है ये इनिशिएटेड डिवोटी हैं, तो मेरे को सीधा सीधा पता लग जाता है कि भाई इसका मतलब मिनिमम इनके अंदर ये चीजें होंगी, मिनिमम ये करते होंगे, मिनिमम ये आरती हैं, इनको आती होंगी। क्यों? क्योंकि वो पूरा करिकुलम है उनका, ऑर्गेनाइजेशन का, और अगेन वो संप्रदाय से चल रहा है, चाहे वो इस्कॉन के हों ना हो। लेकिन बाकी जैसे मैं बंगाल गया था, वहाँ पे गोड़िया वाले काफी हैं जो चैतन्य महाप्रभु जी को मानते हैं, क्योंकि वो बंगाली थे। वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, और आप उनसे कोई भी बात कर लो तो वो सारे सारी चीज़ों को जानते हैं, मानते हैं और फॉलो करते हैं। तो पहली चीज़ कि गुरु गुरु एक संप्रदाय ऐसा होना चाहिए जो कि स्टेब्लिश संप्रदाय है, ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के आ गए। अगेन किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं, लेकिन वही जैसे आपने ईशा फाउंडेशन, बहुत अच्छी चीज़ है, एक मेडिटेशन है, और उसके अंदर बहुत अच्छा वो चैरिटेबल भी काम करते हैं, लेकिन अगेन उसके बाद ये है कि वो उन्होंने खुद बनाई है या किसी संप्रदाय से है। और दूसरी चीज, जैसे हमने अभी देखा चैप्टर 4 के अंदर, और एक स्लाइड के अंदर वो है कि 14 क्वालिटीज आ जाएंगी उस मुक्त इंसान के अंदर। तो वो इंसान ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर वो होनी चाहिए, तभी आपको ये पता लगेगा कि हाँ ये गुरु है। तो अगेन गुरु को ही आप देख कर नहीं कर लोगे कि आज गुरु देखा आपने या किसी ने कहा और आप बन गए, आप गुरु को परखोगे। अगर गुरु सही है तो वो गुरु भी आपको ये कहेगा परखो। अगर आप किसी गुरु के पास जाओगे और कहोगे मेरे को आज बनना है आपसे, जैसे मैं आपको अपना बताऊं, मेरे जो गुरु जी हैं इस्कॉन के अंदर, उनसे अगर आप कहो जी मेरे को आपका गुरु बनना है, तो वो कहेंगे कि सबसे पहले तो आप आओ देखो कि हम करते क्या हैं, ठीक। उसके बाद 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, वो हर लेवल का मतलब ये कि आप पढ़ाई कर रहे हो, सीख रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, और फिर आपके साथ में और भी लोग हैं जिन्हें हम शिक्षा गुरु कहते हैं, तो इससे ये पता लग रहा है कि हाँ ये सारी वो चीज़ें कर रहे हैं। अगेन क्वालिटी मेंटेनेंस का काम हो रहा है, हरे कृष्ण। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये पता लगता है, हरे कृष्ण प्रीति जी। तो गुरु के लिए हम चैप्टर 4 श्लोक 34 पे हैं अभी। गुरु के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। और एक और जो मैंने कहा, मेरे को आपकी याद आई थी ना, जब मैं नेक्टर ऑफ डिवोशन जो संस्कृत में है, उपदेशामृत वो है, उसका पहला, उसमें 11 वर्स है, पहला जो वर्स है उसके अंदर 6 क्वालिटीज लिखी हैं जो गुरु में होनी ही चाहिए। तो गुरु आप कैसे पहचानोगे? गुरु आप उसकी क्वालिटी से पहचानोगे। और कैसे? ऐसे नहीं कि जैसे आप कहोगे अरे तो बाहर बाहर से अलग हो, लेकिन जब आप गुरु के पास रहोगे ना तो आपको पता लगेगा। गुरु के पास फिजिकली रहने की भी जरूरत नहीं, लेकिन जब आप गुरु को फॉलो करोगे 1 साल तक, 1 साल 2 साल, जैसे लंदन के जो गुरु जी हैं, अगर उनको करना है तो 2 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप उनको फॉलो करो, मतलब वो कह रहे हैं अपनी तरफ से। तो इस तरीके से गुरु को परखो। और 2 साल भी ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद आपको गुरु बनाना ही बनाना है। अगर आप 5 साल फॉलो करना चाहते हो 5 साल करो, 10 साल करना चाहते हो 10 साल करो, कोई जरूरत नहीं है कि गुरु आप वो, आप परखो गुरु को। कैसे परखो? उनके साथ रह के प्यार को परखो, उनके ज्ञान को परखो, और फिर आप उनके हिसाब से आगे चलो। हाँ नेक्स्ट मैं पढ़ू भाई, आप जी, जी प्लीज। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुके, पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे।
क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा का एक अंश रूप है, अर्थात वह सब मेरे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये अब वही है कि भाई अगर हम ऐसे सेक्रीफाइसेस करेंगे जो पहले आए कि कर्म के अंदर है तो ऐसे, ज्ञान के अंदर है तो ऐसे, और अगर अष्टांग योग में है तो ऐसे करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा भाई? क्या मिलेगा फिर आपको? किस 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 टाइप के ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको? वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त, मतलब ये बता रहे हैं कि ऐसे सेक्रीफाइसेस, ऐसे कर्म, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति से होगा क्या कि मोह की प्राप्ति नहीं होगी? क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले बात करी कि सभी आपको बिल्कुल सेम लगेंगे, जैसे मैंने कहा भगवद गीता के अंदर एक बहुत अच्छा श्लोक इस चीज का है कि आपको हाथी, कुत्ता, ब्राह्मण, चांडाल चारों के अंदर आपको सामान्यता दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि इस वर्ष के अंदर जो लिखा है सबके अंदर आपको परमात्मा ही दिखेगा। और जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर बात करी कि अगर एक बुद्धिस्ट मंक है और उसको वो चारों में से डिसीजन लेना है तो उसके लिए कोई फर्क ही नहीं है, कोई फर्क नहीं है उसके लिए, कोई नहीं फर्क पड़ता कि एक इसमें से बहुत ज्ञानी है, एक इसमें से बहुत अच्छा कर्म करने वाला है, या एक बिल्कुल नया है, क्योंकि सबके अंदर आपको परमात्मा दिख रहा है। परमात्मा तो सेम है, आप कभी ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर का जो परमात्मा है वो मेरे अंदर के परमात्मा से ज्यादा बड़ा है। तो हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा और परम आत्मा। तो अगेन हम कहते हैं कि आत्मा हम सब में अलग अलग है, और जैसे हमने पहले बात करी कि आत्मा ना ही मरती है, ना ही आत्मा ने जन्म लिया, ना ही आत्मा आगे कभी मरेगी। तो ये आत्मा हम सबके अंदर जो आत्मा है उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो परमात्मा के बारे में बात हो रही है। जी जो उसमें लिखा है कि परम आत्मा के हम अंश स्वरूप हैं। हाँ वो, बट परम आत्मा तो क्या नाम है वो, उसका एक बताया था ना जो मतलब गोलोक चार्ट में लिखाया था। हाँ जी, उसमें था कि वो शायद वो मतलब वो तो विष्णु के उससे मतलब निकला है ना। हाँ भैया आगे जोगी सर, आगे जब भगवद गीता चलेगी तो लिखा आएगा कृष्ण भगवान एक श्लोक में बोलेंगे कि मैं ही परमात्मा हूँ। हाँ जी नहीं, वो तो वहाँ पर जो इन्होंने गोलोक चार दिखाया था हमें उसके अंदर तो परमात्मा डिफरेंट है और कृष्ण डिफरेंट है और वो जो कहना है शिरो दीक्षा है विष्णु और वो सब डिफरेंट डिफरेंट बताए गए हैं। हाँ जी, ये कैसे है ये आप देखें, इसमें सबसे बड़ी जो चीज है ना वो है अंश स्वरूप। भगवान कृष्ण जो है वो 100% पूर्ण है। अब उनके अंदर से चीजें निकली हैं, जैसे कि आग में से धुआं निकला, आग में से गर्मी निकली, आग में से ज्योति निकली, है ना। तो ऐसे है जो विष्णु भगवान है वो भी ऐसे हैं, और जो हमने देखा तीन तरीके के विष्णु हैं। हम फिर दोबारा गोलोक चार्ट को डिस्कस करेंगे, वैसे हमने किया नहीं कभी लेकिन हमने रेफर किया था उसको। तो गोलोक चार्ट है जिसके अंदर पूरा ये बताया है कि आध्यात्मिक जगत कैसा है और भौतिक जगत कैसा है, और इन दोनों के बीच में क्या है और कैसे भौतिक जगत बना। क्योंकि अगर हमें ये पता लगे हम आए कैसे, जैसे हम कीचड़ में गिर गए, तो अब हमें ये पता लग गया कि हम कीचड़ में गिरे कैसे, तो भाई हम दोबारा कोशिश करेंगे कि हम नहीं गिरे। लेकिन हाँ, सबसे पहली चीज़ हमारी ये रहेगी कि कीचड़ में से बाहर निकलें। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे अभी आंटी जी ज्वाइन हुई हैं, तो अगर उनको कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा ना पता लगे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो हमने तीन विष्णु की बात करी, तो महाविष्णु एक हैं। तो जो महाविष्णु हैं उनमें से ही फिर अगले विष्णु का विस्तार होता है। तो ये अंश हैं जिसमें से एक चीज निकल रही है, जैसे कि कहा कि आग है, आग लकड़ी में लगी, अब आग में से ही बाकी चीजें निकल रही हैं। और जैसे हम ऐसा सोचें कि हमने साइंस में पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा कि अगर जैसे मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, तो जो ऑयल निकलता है जमीन में से या समुद्र में से, उस ऑयल को नहीं यूज करते हम अपनी गाड़ियों के लिए, वो रिफाइनरी में रिफाइन होता है, राइट। और जब वो रिफाइन होता है तो उसमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं,
कुछ हमें चाहिए होते हैं, कुछ नहीं चाहिए होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल वैसे हैं, लेकिन वो तो उसका वो जो मेन चीज़ है वो धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है। लेकिन ईशो उपनिषद 108 उपनिषद हैं, उसमें से 10 उपनिषद हैं, उसमें से एक बहुत अच्छा उपनिषद ईशो उपनिषद, ईशो का मतलब ही भगवान है। तो भगवान के बारे में जो मेन बिल्कुल सटीक बातें हैं वो है, उसका जो पहला है वर्स वो ये है कि भगवान पूर्ण है और भगवान में से जो चीज़ निकलेगी, भगवान में से जो चीज़ निकलेगी उसके बाद भी भगवान पूर्ण रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान में से कुछ निकला तो भगवान अब अपूर्ण हो गए। तो यहाँ पे क्या है, भगवान कृष्ण पूर्ण है, उसमें से ही विष्णु भगवान निकले हैं और वो जो विष्णु भगवान निकले हैं उन वही हमारे उन तीन में से एक विष्णु भगवान का ही जो अंश है वो हमारे अंदर है। तो ये मतलब ये कहना चाहते हो कि जो शिरोदक्षा है विष्णु है उनके थ्रू हाँ, निकले हैं परम आत्मा हाँ, वो हमारे अंदर है आज पर जो गोलोक चार्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही, तीन तरीके के हैं। पहले हैं महाविष्णु जो लेटे हुए हैं जिनके अंदर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, दूसरे हैं अपने गर्भोदक्षाय विष्णु जो हमेशा सांप के ऊपर होते हैं, जिनके गर्भ से जो कमल का फूल निकला उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, और तीसरे जो शिरोदक्षाय विष्णु हैं जो हर इंसान के अंदर परमात्मा के रूप में है। तो अब आप उनको परमात्मा कहो, चाहे अब आप उनको शिरोदक्षाय विष्णु कहो, चाहे आप उनको सिर्फ ये कह दो कि वो भगवान का अंश है, ये सारी चीज़ें सही हैं, सिर्फ अलग अलग कहने का तरीका है। अगर आप डिटेल्स में जैसे आपने गोलोक चार्ट देखा है तो अब आप ये कहोगे जो परमात्मा का अंश स्वरूप सब में है वो शिरोदीक्षाय विष्णु है। योगी सर मैंने जो पढ़ा था तीन है, एक महाविष्णु जिनमें से ब्रह्मांड बनाया, अनलिमिटेड गैलेक्सी बन रही है, दूसरा उन्होंने गर्भोदक्षाय विष्णु हर गैलेक्सी के अंदर एक गर्भोदक्षाय विष्णु डाल दी। सही, मेन एनर्जी इज महाविष्णु, द मेन एनर्जी द मेन पावर इज महाविष्णु। उसके बाद जब उन्होंने अनलिमिटेड गैलेक्सी बनाई तो हर एक गैलेक्सी के अंदर एक शिव डाल दिए, एक गर्भोदक्षाय विष्णु डाल दिए, एक ब्रह्मा डाल दिए। अब तीसरे जो विष्णु है, थर्ड विष्णु रिसाइड इन द हार्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड द आत्मा, तीसरे आत्मा के अंदर। देयर आर ओनली थ्री विष्णु, नो फोर्थ विष्णु। अभी लोग जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो कहते हैं कि अपने अंदर के भगवान को जगाओ, अंदर के भगवान को जगाओ, वो अपने आत्मा की तरफ जाते हैं, वो बाहर वालों को नहीं देखते। हम जो मंदिर वंदिर वाले हैं वो शायद बाहर गैलेक्सी वाले की पूजा करते होंगे या अपने मन के अंदर की पूजा करते होंगे, बट मोक्ष उसी को मिलेगी जो ये तीनों को पहचान जाएगा कि बाहर जिस एनर्जी बनाई है, जो ब्रह्मांड के अंदर है जो सब कुछ कर रहा है, और जो हमारे अंदर है तीन ऑल थ्री। बिल्कुल सही जी, एकदम सही। हाँ जी, ये बहुत अच्छे से अविनाश आपने समराइज किया इसको। तो अगेन दो हमारी माताजी हैं तो मैं दोनों के साथ में वो हिंदी वाला गोलोक चार्ट शेयर कर लूँगा, और वो बहुत अच्छा है, वो हमें अपने घर में लगा के रखना चाहिए, उसको हमको बार बार रेफर करना चाहिए। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए देखें, कोई ये कहेगा कि नहीं हम तो मेडिटेशन में जाएंगे अपने अंदर ही परमात्मा होता है, तो वो भी सही कह रहे हैं। और कोई ये कहे नहीं, अगर आप पुराण पढ़ोगे उसके अंदर तो जब किसी को ज़रूरत थी तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो वो शिव जी के पास गए, शिव जी से सॉल्व नहीं हुई तो फिर विष्णु भगवान के पास गए, और विष्णु भगवान है वहाँ पे हैं तो हमारे अंदर भगवान कैसे हैं, वो तो बाहर होते हैं। तो वो भी सही है, बस उनको ये पता करना है डिटेल में जाके कि वो विष्णु अलग हैं और ये विष्णु अलग हैं। और फिर कोई कहेगा अरे विष्णु में से तो ब्रह्मांड निकलते हैं, वो विष्णु अलग हैं, तीन तरीके के विष्णु हैं। जब हम ये डिटेल समझ जाएंगे तो तभी आप देखोगे, आप कहोगे सब सही है, वो भी सही कह रहे हैं और ये भी सही कह रहे हैं। लेकिन दिक्कत वहीं आ जाती है जब जो जिसको आधा सच मालूम है और वो ये कहे कि नहीं हम ही सच हैं और आप गलत कह रहे हो, क्योंकि उसको पूरा नहीं मालूम है ना। जैसे हम हाथी का एग्जांपल देते हैं कि चार पांच अंधे हैं, वो हाथी को उन्होंने पहली बार देखा और अंधेरे में वो एक कमरे में टच कर रहे हैं हाथी को, जिसके हाथ में सूंड आ गई वो कहेगा हाथी ऐसा है, जिसके हाथ में पूंछ आ गई वो कहेगा ऐसा है। बाहर आके आंखें मिले पूरी तरीके से हाथी को देखे तो पता लगे कि सारे के सारे सही कह रहे हैं, है ना। इसी वजह से हमको हम हमेशा सत्य चित आनंद में बने रहेंगे, क्योंकि हमको लगेगा कि हाँ भाई सबके अंदर परमात्मा, किससे नफरत करें हम और क्यों नफरत करें, सब बेचारे अपने कर्मों के हिसाब से कर्म में फंसे हुए हैं तो हम क्यों करें। अब आप करोगे किसी से, जैसे एक और एग्जांपल था हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर एक आदमी होता है, बीवी कहती है भाई आप जाके सब्जी ले आओ, वो सब्जी लेकर आता है, वहाँ पे जो दुकानदार होता है उनका लड़का उनको बड़ा बुरा भला कहता है, तो या हस्बैंड जो होते हैं गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं क्या बात हुई, घर आते हैं
कहते हैं वो सब्जी वाले का लड़का बड़ा गंदी तरीके से बात करता, कहते तो वो जाती रहती थी वाइफ, तो उन्होंने पूछा कौन सा, वो वाले, कहते हाँ, कहते अरे वो जो है ना उनका बेचारे का दिमाग थोड़ा सा खराब है, इस वजह से वो उनके जो फादर हैं कई बार सॉरी बोल चुके हैं। तो जैसे ही हस्बैंड को ये पता लगता है, अभी बड़ा गुस्सा था उनके अंदर, लेकिन जैसे ही उनको ये पता लगता है कि अरे उस बेचारे का दिमाग खराब है, तो उनका गुस्सा खत्म हो जाता है। और आप अगर देखोगे तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, ये कॉन्शियसनेस की बात है सिर्फ हमारी। अगर हम सबको यही देखें कि जो भी इंसान गुस्सा कर रहा है वो बेचारा फंसा हुआ है, उसका दिमाग खराब हो गया है, वो अपने गुणों के हिसाब से काम कर रहा है, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, फंसा हुआ है बेचारा, बीमार है बेचारा, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा उनके ऊपर, आपको तरस आएगा यार किसी तरीके से हेल्प कर दूँ, आपको ये आएगा चलो यार मिलके कभी भगवत गीता पढ़ेंगे तो इनको भी बुलाएंगे, नहीं सत्यचित आनंद का जो टेस्ट हमको मिल रहा है इनको भी मिले, हम जो खुश रह पा रहे हैं वो भी रह पाए, वरना कोविड से डर डर के क्या जीना। जब हम मानने लग जाएंगे कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, तो कोविड क्या कर लेगा, क्योंकि भगवान ने तो चैप्टर 2 के शुरू में बताया ही है कि भाई जो आत्मा है वो कभी मर ही नहीं सकती। सिर्फ ये बात है कि ये जो ज्ञान है ये हमारी सच्चाई में उतरना चाहिए। चलिए, तो इसमें तात्पर्य में और कोई चीज हो तो प्लीज बताएं। तात्पर्य में एक थर्ड लाइन के अंदर माया की डेफिनेशन बता रखी है, माँ का मतलब नहीं और या का मतलब यह है, इसका जी मतलब क्या है। उसके बाद फिर सेवंथ एट लाइन के अंदर बता रखे है कि ब्रह्म संहिता में बता रखे है कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार है, कृष्ण भगवान के लाखों अवतार हैं। और उसके बाद अगली तीसरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो, और 12वीं लाइन की तरफ चले जाओ तो आप मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलके एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही होता है, पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। तीन डाउट है इसके, तीनों के तीनों आप समझा सकते हैं कमजोर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मैं पहले आप मेरे को दोबारा से याद दिलाइएगा, लेकिन पहला जो आपने कहा माया, बिल्कुल। अब अद्वैत और द्वैत में ये थोड़ा सा फर्क है, अगेन ये आप ऐसा समझ सकते हैं, इसलिए मेरे को कभी किसी से लड़ाई नहीं होती है ना, मैं ये कभी कहूँ कि ये उनसे सुपीरियर है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वही वो हाथी वाला एग्जाम्पल, कि हर इंसान अपनी तरफ से अपनी टर्मिनोलॉजी लेकर कह रहा है, और बस ये है कि अपने उस टर्मिनोलॉजी से या जो भी वर्ड्स हैं उससे चिपकाव हो गया है। माया के बारे में क्या कहते हैं कि जो माँ अद्वैत, का मतलब नहीं है और या का मतलब यह है, ये हाँ कहाँ से है, नहीं एंड यह है। हाँ ये संस्कृत का क्या वो है, लेकिन हम ये समझें कि कहना क्या चाहते हैं कि माया, हम कहते हैं माया। अभी भगवान से पूछा अर्जुन ने कि भाई आप कह रहे हो इंद्रियां संभालो, इंद्रियों को कैसे संभालूं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हवा का वेग संभाल सकता हूँ, इंद्रियां नहीं संभाल सकता, तो ये बलपूर्वक कौन कर रहा है। तब उन्होंने यही कहा कि भाई ये इंद्रियां कर रही हैं, और इंद्रियां माया के अंदर इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं, माया इन आपकी इंद्रियों को हिला रही है, इसलिए ये गुण के प्रभाव से आप ऐसा करते हो। माया है क्या, माया के लिए दो चीजें अलग अलग आती हैं, अद्वैत वाले क्या कहते हैं और द्वैत वाले क्या कहते हैं। अद्वैत वाले ये कहते हैं कि ये सारा संसार है ना ये माया है, इसलिए उनको मायावादी भी कहते हैं, मायावादी, कि वो माया मानते हैं, सब कुछ माया है, सारी सारी चीज माया है, कुछ है ही नहीं, सब कुछ माया है। लेकिन तो ये एक्चुअली, जैसे आपको मालूम अविनाश, आपने बात करी थी कि तीन जो सपने हैं, अपना स्वप्न और जगत और एक डीप स्लीप, ये तीन स्टेट्स होती हैं हमारे मन की, और जागृत, तो उसमें ये कहते हैं कि ये सब कुछ जो है ये सपने की तरह देखो आप, ये सब झूठ है जो भी हो रहा है। ये अद्वैत वाले ऐसा कहते हैं कि जो भी है ये सब झूठ है, राइट। लेकिन द्वैत वाले कैसे कहते हैं कि ये जो भी है ये सब झूठ नहीं है, ये जो भी है ये सब टेम्परेरी है। अब दोनों में आप देखें तो थोड़ी सी बारीकी है, अगर जो टेम्परेरी है उसको भी आप कह सकते हैं झूठ है, और जो झूठ है उसको भी आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी है। कैसे भाई, आपने सपना लिया, जब आप सपना ले रहे हो सपना झूठ है, लेकिन जब सपना आप ले रहे हो उस टाइम वो सपना आपकी सच्चाई है। और दूसरी चीज कि भाई बेशक ये टेम्परेरी हो, अगर वो टेम्परेरी ही है तो आप कह सकते हो कि ये झूठ है, क्योंकि टेम्परेरी है, बहुत इसके बारे में क्या सोचना।
लेकिन ये दोनों में फर्क है। लेकिन माया वही चीज जो कि सच नहीं है, एक या है नहीं है, तो बस इतनी सी बात है। तो हर वो चीज जो सच नहीं है या जो ऐसी चीज जो कि टेम्परेरी है वो माया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर चीज माया है अगर आप इस तरीके से सोचें, क्योंकि वो जो आपको सुख मिलेगा वो क्षण मंगुर मिलेगा। अब वो जो क्षण है वो क्षण मतलब थोड़ा एक घंटा भी हो सकता है, कुछ सेकंड्स भी हो सकते हैं, कुछ मिनट्स हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको जीवन भर सुख दे पाए, चाहे वो अपने माँ बाप हों, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हों, चाहे वो बच्चे हों। या तो वो मूव कर जाएंगे या हम मूव कर जाएंगे, या तो कोई चीज़ हो या तो वो चीज़ हमसे अलग हो जाएगी या हम उस चीज़ से अलग हो जाएंगे, राइट? तो ये चीज़ माया है, ये माया है। इसलिए कहते हैं माया को छोड़ के बाकी क्या चीज़ है, बाकी वो चीज़ें। और हम कहते हैं हम एब्सोल्यूट ट्रुथ ढूंढ रहे हैं, जो ऐसा सत्य जो कभी चेंज नहीं होता, कभी बदलता नहीं है, ऐसा सत्य ढूंढ रहे हैं, और वो भगवान है। क्योंकि भगवान कभी चेंज नहीं, हमारा रिलेशन भगवान के साथ कभी चेंज नहीं होता। इसके अंदर बहुत अच्छी एक स्टोरी आती है कि जैसे माने एक राजा है, राजा ने क्या कहा, राजा का एक लड़का है, लड़का लड़के को राजा ने बहुत अच्छी फैंसी कार दिलाई और वो कार से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पर उसकी याददाश्त गुम हो गई। अब वो उसका इलाज हो गया, राजा भी ढूंढ रहा था कहाँ गया। वो आदमी को किसी ने बचा लिया, वो उस विलेज के अंदर रहता है। अब राजा को पता लगा कि भाई ये है, तो राजा उसके पास कहता है कि भाई आप मेरे लड़के हो, आ जाओ। तो वो कहता है नहीं नहीं ये क्या बात हुई, मैं तो अपने को 2 साल से मैं जानता हूँ, मैं तो विलेज के पास में ही हूँ। अब वो वहाँ पे विलेजर भी और कोई उनको कुछ नहीं जानते कि भाई 2 साल के पहले क्या हुआ हमें मालूम नहीं, आप तो यहाँ पे आए, इन्हें भी नहीं मालूम। लेकिन बाद में क्या होता है, राजा ने डायरेक्टली बुलाया, वो नहीं आया। अब वो किसी और के लिए काम करता है, जिस इंसान के लिए काम करता है वो उसका शोषण करता है, मान लो पॉलिटिकल है या जैसे भी है। तो अब राजा ये करता है, राजा कहता है कि भाई देखो वो किसी और के लिए काम कर रहा है, ऐसा करो उसको कहो मेरा ही कोई मिनिस्टर के लिए काम कर ले। तो राजा ऐसे किसी को भेजता है, अब वो राजा का ही लड़का है मिनिस्टर के लिए काम कर रहा है, राइट? मिनिस्टर के लिए काम कर रहा है। अब वो मिनिस्टर राजा के लड़के को का फायदा नहीं उठाएगा, उसको पीड़ित नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मालूम है उसको राजा का लड़का है, राइट? तो ये एक लेवल ऊपर आते हैं। अब फिर आगे क्या होगा, राजा उसको अपने घर बुलाएगा, राजा कहेगा भाई तुम मिनिस्टर के लिए काम कर रहे हो, मेरे लिए काम कर लो, मैं ज्यादा पैसा दूंगा, मैं ज्यादा फायदा दूंगा। तो ये कर्म कांड की बात हुई कि हम अब भगवान के लिए काम करेंगे या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के लिए काम करेंगे, लेकिन फायदा देख रहे हैं अभी, हम अपनी मुक्ति नहीं देख रहे। फिर धीरे 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 क्या होगा, वो कहेगा हाँ ठीक है आपके मिनिस्टर की जगह तो आपके लिए काम करूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो वो राजा के लिए काम करेगा, लेकिन अभी भी राजा का बेटा नहीं बना है, राजा के लिए काम कर रहा है, पहले से बेटर है। किसी और के लिए काम कर रहा था उससे अच्छा है, राजा के मिनिस्टर के लिए काम कर रहा था उससे अच्छा है, राजा के लिए काम कर रहा है। लेकिन धीरे 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 राजा के साथ रहते 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 उसकी अपनी याददाश्त वापस आती है, उसके बाद उसको ये पता लगता है मैं तो राजा का ही बेटा हूं। तो हमारे साथ बिल्कुल सेम है, ये 3 अलग अलग स्टेप्स हैं हमारे लिए। हम जिस भी रास्ते से जाएं, हम भगवान के लिए ही एक तरीके से काम कर रहे हैं, राइट? क्योंकि वो जो सबसे पहले जिसके लिए काम कर रहा था वो भी राजा के ही सोसाइटी में था, राजा जानता था उसको, लेकिन वो राजा का मिनिस्टर नहीं था। ऐसे ही हम संसार में किसी के लिए भी काम करें, भगवान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान भगवान का है, किसी और का है, डायरेक्टली उनसे रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड है, इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो माया इसके अंदर कहाँ काम आती है, माया वो चीज़ है जिसने हमको भुला दिया है कि हम राजा के बेटे हैं, कि हम भगवान के ही हैं, कि परमात्मा का अंश हैं हम। और अगर हम देखें ईशो उपनिषद का जो वो है, भगवान का जो अंश है, भगवान की जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे अंदर भी हैं। और भगवान की सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी है, सत्य चित्त आनंद। इसलिए जो ज्ञानी इस चीज़ को पहचान जाते हैं वो सत्य चित्त आनंद का अनुभव करते हैं, वो पहाड़ों के ऊपर भी बैठ के या किसी गुफा में बैठ के भी वो सत्य चित्त आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और हम यहाँ पे संसार में बैठे हों, मंदिर में भगवान की मूर्ति के पार भी बैठे हों, हमको उस चीज़ को हमने सुना है, कई बार लोगों ने सर पीटा है हमारे साथ में, लेकिन हमने उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया। और रियलाइज़ कैसे होगा, ग्रेजुअल, धीरे 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 हमको इस चीज़ का याद होगा।
तो ये माया के बारे में हुई। माया बहुत गजब चीज है। अद्वैत के अंदर अगर आप पूछें तो सबसे बड़ी उनके लिए जो कंफ्यूजन है वो माया है। जैसे मैं कहता हूँ, मेरा क्वेश्चन, अगेन मैं उनकी कोई बुराई नहीं, मेरा क्वेश्चन जो अद्वैत के लिए है जो अभी तक नहीं हल हुआ, लेकिन मैंने उसके अंदर फिर ज्यादा मेहनत भी नहीं करी है, कि अगर हम, अगर माया ही है, तो अगर हम ही हैं भगवान, हम ही हैं ब्रह्म, तो माया ने ब्रह्म के ऊपर कैसे पा लिया, कैसे माया ने ब्रह्म के ऊपर कब्जा कर लिया, ब्रह्म कैसे माया के अंदर आ गया, अगर ब्रह्म ही सबसे ऊपर है। इसलिए हम समझते हैं कि ब्रह्म सबसे ऊपर नहीं है, हम अंश हैं भगवान का, लेकिन हम भगवान नहीं है। भगवान का अंश जो है वो इन तीनों गुणों के अंदर आ सकता है, वो माया के अंदर आ सकता है, लेकिन भगवान नहीं आ सकते। इसलिए कृष्ण भगवान आए थे तो नहीं हुआ था उनको कुछ भी, या और भी जैसे भगवान राम भी आए, कोई उनको फर्क नहीं पड़ा था, विष्णु आते हैं, शिव आते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। तो ये माया की बात हुई। आप मेरे को प्लीज रिमाइंड कराएं कि आपका दूसरा पॉइंट क्या था अविनाश, प्लीज। पॉइंट था अराउंड, लिखा है कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि लाखों अवतार भगवान का विभिन्न विस्तार ही है, तो लाखों अवतार है या सिर्फ 25-26 अवतार है? हाँ नहीं, इसके अंदर क्या आता है, यहाँ पे अब अवतार जो वर्ड है उसका फर्क पड़ता है, कि अगर मैंने शायद एक एक लिंक था जिसमें 6 मुख्य रूप से कैटेगरीज हैं, श्रेणी हैं, कि कौन कौन से अवतार होते हैं। जैसे कि एक है रूप अवतार, तो शक्ति अवतार वगैरह आपने बताया था, वेद व्यास चीज होते हैं, बट लाखों है, इज इट ट्रू और नॉट ट्रू, बस इतना पूछना था। लाखों है, लाखों कैसे हैं, हैं कैसे हैं, क्योंकि अब हम ये कह सकते हैं लाखों क्या करोड़ों हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेफरेंस है वर्स का वो ये है कि ये कहा हुआ है कि हम भी एक तरीके से, क्योंकि हम भी भगवान का अंश हैं, हम भी भगवान से ही निकले हैं, तो इसलिए हम भगवान का ही विस्तार है, तो इसलिए जितनी पॉपुलेशन है उतने भगवान कह रहे हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो भगवान का अंश है, वो भगवान का विस्तार रूप है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है, वो भी सच है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि भाई हर चीज में भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं, लेकिन मैं अंश रूप में हूं, मैं पूर्ण रूप में नहीं हूं। इसलिए भगवान कृष्ण ही ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप में हूं। भगवान कृष्ण के अंदर कहें कि 65 गुण हैं, भगवान विष्णु में 60 गुण हैं, 4 गुण ऐसे हैं जो कि भगवान विष्णु में भी मिसिंग है, और बाकी जो नीचे के हैं उसमें जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ऐसे हैं जो कि जीवात्मा सबसे ऊपर जाएगी, तो ब्रह्मा सारे गुण जो मिल सकते हैं जीवात्मा को, जो आप और हम हैं, सारे गुण जो मिल सकते हैं अगर वो मिल जाएं तो ब्रह्मा बनेंगे, और ब्रह्मा के अंदर सबसे ज्यादा गुण होते हैं तो वो 55 होते हैं, 55 से लेके विष्णु तक जो 15 गुण है, वो 15 गुणों की डेफिनेशन भी है, लिस्ट भी है कि कौन कौन से गुण मिसिंग है, जो कभी जीवात्मा में आ ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, ये विष्णु भगवान और ब्रह्मा में हमेशा डिफरेंस रहेगा। लेकिन वो ब्रह्मा है जिन्होंने वो गुण डिवेलप कर लिए, वो गुण हमारे अंदर भी है लेकिन डॉर्मेंट फॉर्म में है, जैसे परमात्मा हमारे अंदर भी है लेकिन हमने रियलाइज नहीं किया, वो हम रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे गुण हैं जो हम कभी रियलाइज ही नहीं कर सकते। तो हाँ, ये बात हम कह सकते हैं, पर अगेन ये कहने का तरीका है कि हाँ भगवान लाखों अवतार है हम सारे। तीसरा क्या था आपका? तीसरा क्वेश्चन था, मायावादी ये नहीं समझ पाते कि एक और एक मिलके एक ही होता है, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है, यही पर ब्रह्म का स्वरूप है, बस ये समझा दो लास्ट डाउट। हाँ, ये वही ये सबसे गजब चीज जो है अद्वैत और द्वैत के अंदर, ये मायावादी जो कह रहे हैं बेसिकली अद्वैत वालों को कह रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज को माया कहते हैं, और उनको अद्वैत क्यों कहते हैं, द्वैत का मतलब दो और अद्वैत मतलब जो दो नहीं है। तो जो अद्वैत है वो ये कहते हैं कि एक ही है, सब कुछ एक है, आप और मैं अलग नहीं है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि भाई आपकी अविनाश की एक आत्मा है, वरुण की एक आत्मा है, ठीक है, ऋषि की, योगेंद्र की, सबकी अलग अलग एक आत्मा है, ठीक, लेकिन सबके अंदर परमात्मा का अंश एक ही है। यहाँ पे ये नहीं लिखा सबके अंदर परमात्मा का अंश अलग अलग है, सबके अंदर परमात्मा का अंश है और वो सेम है। तो अद्वैतवादी ऐसा मानते हैं कि सब कुछ एक है, लेकिन ईशोपनिषद में क्या लिखा है, ईशोपनिषद में ये लिखा है कि जो हमने कहा जो सबसे पहला उसका वो आता है पूर्णतः, कि
जो पूर्ण है उसमें से जो चीज निकलती है वो भी पूर्ण है, और उसके बाद भी जो पूर्ण है वो अपूर्ण नहीं होता। उसका रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है इनडायरेक्टली कि पूर्ण में से मतलब एक में से एक निकला फिर भी एक एक ही रहा। तो ये हम अपनी नॉर्मल मैथ्स के हिसाब से देखेंगे तो ये कैसे होगा, वन में से वन गया तो जीरो हो गया, राइट? ये अद्वैतवादी सोचेंगे, लेकिन द्वैतवादी ऐसा मानेंगे कि भगवान के अंदर से जितने मर्जी और विस्तार हो जाए भगवान में से कुछ कम नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान के अंदर से विस्तार हो रहा है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान की वो एनर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान की अब एनर्जी कम हो गई कुछ। पहले भगवान के अंदर 100% एनर्जी थी, अब चार विस्तार भगवान ने कर लिए तो भगवान का 100-4 96% भगवान बचे हैं, और करेंगे तो भगवान कम होते चले गए धीरे धीरे धीरे। ऐसा नहीं होता, पूर्ण है भगवान, उनसे जो निकलेंगे वो भी पूर्ण है, जैसे आप और हम भी पूर्ण है, लेकिन क्वालिटी में पूर्ण है हम, क्वांटिटी में पूर्ण नहीं है। मतलब भगवान की क्वालिटीज हमारे अंदर हैं लेकिन उतनी डिवेलप नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इस चीज का ये मतलब है, एक और एक का जो दे रखा है कि अद्वैत क्या मानते हैं और द्वैत क्या मानते हैं, इसे मायावादियों के लिए कह रखा है ये। और आगे हम इसके ऊपर और बात करेंगे, क्योंकि मायावादियों पर बहुत बात करी है प्रभुपाद जी ने। और कोई कुछ कहना चाहे कि तात्पर्य में, या इस वर्ष को आपने कोई अलग कोई भगवत गीता पढ़ी हो इस वर्ष को, या इस चैप्टर के बारे में? दो माता जी हैं हमारे पास, बस तीन माता जी हैं हमारे पास में, बहुत ही अच्छा है। मम्मी जी हैं, आंटी जी हैं, और प्रीति जी हैं, मेरे ख्याल से प्रीति जी की मदर हैं, तो मदर इन लॉ हैं। तो आपका स्वागत है माता जी, अगर आप भी कुछ कहना चाहें में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और आप कुछ भी कहना चाहें तो प्लीज़ कहिएगा, अगर नहीं तो फिर हम अगले अगले पे चलते हैं। ठीक है भाई, तो अगले पे चलते हैं हम, 36। ओके, राइट। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि भाई मतलब ये फुल ऑफ होप इंस्पिरेशन, कि मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता। काफी लोग ऐसा कहते हैं अरे मैं तो इतना पापी हूं, मैं कैसे करूं। जैसे अविनाश आपने कहा कि भैया मैं अपना ही नहीं कर पाऊं तो किसी और को क्या कहूं। लेकिन यहाँ पे देखें प्रभु भगवान बिल्कुल साफ इतना गारंटी दे रहे हैं कि पापियों में भी सर्वाधिक पापी हो ना, अगर तुम अगर मानो कि कुछ भी करते हो इससे ज्यादा पापी कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जैसे जब जागे तभी सवेरा, तब भी ज्ञान लेकर, क्योंकि ज्ञान का चैप्टर चल रहा है तो इस पे ज्ञान की बात हो रही है, तब भी ज्ञान लेकर उद्धार हो सकता है, दुख का जो सागर है उससे पार जाया जा सकता है, अपना यहाँ से निकलकर हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड से निकलकर स्पिरिचुअल जा सकते हैं, भौतिक से निकलकर आध्यात्मिक जगह हम जा सकते हैं। जी भाई, धाम भी नहीं जाना ना हमें तो हाँ, वो हमें धाम नहीं अल्टीमेट। जाना। हाँ हम, हाँ जरूरी नहीं है हम धाम जाएं, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये वही है रेफरेंस की भाई, अगर आप मंदिर में जाओगे तो चांसेस हैं कि आप अच्छे ही बनोगे, नहीं भी अच्छे तो धीरे धीरे बनने लग जाओगे, तो एसोसिएशन वाली बात है। लेकिन हाँ जरूरी नहीं है आप धाम जाओ, दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे तो आप सत्य चित आनंद, तो दुख नहीं होगा आपको, जो हमारा चारों तरफ दुख ही दुख है वो नहीं होगा। तात्पर्य छोटा है इसका, लेकिन तात्पर्य में कोई चीज हो तो प्लीज बताएं। बिल्कुल आपने सही बोला। जी, तो फिर हम अगले पे चलते हैं, 37। अब यही बता रहे हैं, जो अगेन जो हम वो जो तरीके विभिन्न बताए थे वो विभिन्न तरीके उस तरीके से करेंगे, ज्ञान रूप से करेंगे, उस सारी चीजों का फर्क पड़ेगा, तो फिर क्या होगा धीरे 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 धीरे। अब ये बता रहे हैं कि आपको ज्ञान की कौन सी, ज्ञान की प्राप्ति होगी और उस ज्ञान से क्या होगा। अगेन एक लॉजिकल वे के अंदर समझाया जा रहा है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तो अब लिखा है इसके अंदर, जैसे प्रज्वलित
अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। यहाँ पे फिर देखिए, कर्म नहीं जल रहे लेकिन फल जल रहे हैं, मतलब कर्म तो हमें करने ही हैं, कर्म करने हैं, और ये जानना है ज्ञान से कि कौन से कर्म करने हैं, कैसे कर्म करने हैं। और हमने ये भी देखा कि ऐसा नहीं है कि कोई कर्म कर रहा है तो वो इसका मतलब वो सही कर्म कर रहा है, और कोई कर्म नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो भक्ति नहीं कर रहा, क्योंकि उसका मन कहाँ है, उसकी चेतना कहाँ है, उसका ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है, तो जो फल हैं वो धीरे 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 हमारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी आता है, ऐसा है कि जैसे ध्रुव महाराज के साथ हुआ, जब ध्रुव महाराज छोटे ही थे, बच्चे 5-6 साल के, और भगवान का दर्शन हुआ उनको, तो वो मांगना चाहते थे। उन्होंने क्यों चाहते थे, वो नारद मुनि जी ने उनको बताया था भगवान की पूजा करो, वो चाहते थे कि मेरे को अपने फादर उत्तानपाद, उत्तानपाद राजा थे उस टाइम पे पूरे सृष्टि के, कि मेरे को ऐसा जगह मिले जो उनसे भी अच्छी हो, क्योंकि उनकी जो सौतेली माँ है उन्होंने उनकी बेइज्जती कर दी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि अब मैं जा रहा हूँ, और जब तक मेरे को अपने फादर से भी ऊंचा स्थान नहीं मिलेगा ना, मैं वापस नहीं आऊंगा। लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ ना उनको, तो उन्होंने कहा कि भगवान, मतलब मैं तो जैसे टूटे हुए कांच होते हैं ना, वो मांगना चाहता था आपसे। तो कहते चलो कोई बात नहीं, भगवान ने कहा अब मांग लो, क्या मांगना है। विष्णु भगवान आए थे उनके सामने। अब यही है कि पूरे शास्त्रों को आप उठा के देखो, किन किन लोगों ने विष्णु भगवान की पूजा करी है, क्योंकि वो सत्गुण से बने हैं, भक्तों ने ही पूजा करी है। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर विष्णु भगवान की पूजा किसी दानव ने करी हो, या विष्णु भगवान की पूजा किसी ने भी करी हो और उनको कोई गलत चीज मिली हो। प्रहलाद महाराज को मिले, और ये भी मजे की बात है कि जिन जिन के सामने विष्णु भगवान आए, उन्होंने मांगा ही नहीं फिर कुछ। जैसे ध्रुव भगवान ने पूजा जरूर करी, क्योंकि नारद जी ने कहा था भैया जो तुम मांग रहे हो ना, वो विष्णु भगवान से ज्यादा कोई दे नहीं सकता। तो उन्होंने विष्णु भगवान की कोशिश करी। विष्णु भगवान जब आए तो उन्होंने कहा मैं जो मांगना चाहता था वो तो टूटे कांच हैं, तो मैं नहीं मांगूंगा वो। उन्होंने कहा वो नहीं मांगोगे तो अब कुछ मांगो, को भगवान आपके दर्शन हो गए, अब क्या मांगू। उन्होंने कहा नहीं फिर भी कुछ, अब नहीं कुछ, अब मेरे को साथ ले चलो। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पिछले बहुत अच्छे कर्म हैं और उन कर्मों का फल तुमको भोगना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अविनाश, हमारी बात हुई थी भाई, कि हमको सत्गुण के भी ऊपर जाना है, क्योंकि सत्गुण वो है जिसके अंदर हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उस काम के हमको अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। हमको वो अच्छे काम के अच्छे परिणाम, मतलब अच्छे फल जो है वो भी एकत्रित सर्जित नहीं करने, अगर करने पड़ेंगे तो भगवान हमको वापस भेजेंगे कि जाओ वापस और जो फल अच्छे हैं उनको भोग कर आओ। तो ये ध्रुव महाराज के साथ में हुआ, लेकिन ध्रुव महाराज ने उस टाइम ये कहा था कि अगर आप मेरे को कह रहे हो तो मैं रुकूंगा, लेकिन मेरे को आप प्लीज भक्तों की एसोसिएशन और भक्तों के साथ ही रखना, और मेरे को भक्ति में लगाए रखना, अगर कुछ देना है तो मेरे को भक्ति दो आप। तो उन्होंने कहा था बिल्कुल, तुम इतने साल करोगे राजा बनोगे और हमेशा भक्त बने रहोगे। तो क्या चीज मिली, भक्ति मिली। प्रहलाद महाराज को भी नहीं लेके गए, उन्होंने कहा ना ना अभी कहाँ, अभी रुको, बहुत अच्छे कर्म है तुम्हारे, यहाँ पे रुको और भोगो यहाँ पे। उन्होंने कहा नहीं चाहिए मुझे, मुझे साथ ले चलो। कहते नहीं, कहते अच्छा फिर एक रिक्वेस्ट है, कहते क्या, मुझे भक्त बनाए रखो। तो प्रहलाद महाराज भक्त बने। जब बाद में वामन देव आए थे, पहले नरसिंह भगवान आए थे फिर वामन देव आए थे, जब वामन देव आए थे तो वामन देव के अवतार के भी दर्शन प्रहलाद महाराज ने करे थे। तो सिर्फ भक्त क्या मांगेगा, भक्ति मांगेगा और कुछ नहीं मांगेगा। तो यहां पे जो लिखा है, भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है, कि अच्छे कर्मों के अच्छे फल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे फल भी इकट्ठे हुए, अगर ये भी सोचा हमने कि भाई अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारा कुछ अच्छा ही होगा, तो इसका मतलब वो अच्छे फल इकट्ठे होने शुरू हो गए, अब उसको भी भोगने के लिए दोबारा
हमको जीवन लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो अभी पिछले श्लोक में बात हुई कि हमको ये दुख सागर से पार हो जाएंगे, तो वो दुख सागर से पार नहीं होंगे। दुख बेशक ना हो लेकिन वापस आना पड़ेगा। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अब बॉस हो गए भाई, वो अच्छे ही काम कर रहे हैं सारा, लेकिन वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उनको बना के रखना पड़ेगा कि माया में दोबारा ना गिर जाए, कोशिश है उनकी। जो मिला है वो दोबारा सब, हो सकता है निष्काम कर्म भाव से बांट रहे हो कि भाई जो मैं कर रहा हूँ उस चीज का घमंड नहीं कर रहे, वो सिर्फ इसलिए बांट रहे हैं लोगों के साथ में कि भाई भगवान ने मेरे को दिया है कि मैं लोगों के साथ में बांटूं, ये फीलिंग ना आए दिल में कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। कुछ तात्पर्य में हो तो प्लीज बताएं। मैं यहाँ पे जो आपने बताया सेम, मैं दोबारा वही लाइन रिपीट करूंगा कि यहाँ पे अग्नि की बात रखिए कि अग्नि जो है आपके ज्ञान रूपी अग्नि, जो ज्ञान है वो आपके अग्नि जो है आपके समस्त फलों को जला के भस्म कर देगी। आप समस्त फलों में आपके अच्छे फल भी आ रहे हैं और बुरे कर्म भी आ रहे हैं। बिल्कुल अगर आप सोचो कि अगर मैं ज्ञान ले लूंगा तो मेरे सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, पाप मुक्त नहीं हो जाएंगे, पुण्य भी मुक्त हो जाएंगे। फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल, आपने किसी बंदे ने कोई फंक्शन हो रहा है या मंदिर में 5,000 का ध्यान दिया, उसने ढिंडोरा पीट दिया, भाई उसने तो 2,000 दिए, सबसे ज्यादा मैंने 5,000 दिए है, मेरा जी सबसे ऊपर नाम लिख दिए, देखो जी सबसे ज्यादा दाम मैंने दिए है, मैंने दिए है। हाँ तो वो फिर वो ज्ञानी नहीं है जिसने वो बोल दिया, जी। क्योंकि आपको आपके पुण्य से भी मुक्ति मिलेगी और पाप से भी मुक्ति मिलेगी। दोनों को जो जान ले वो ही ज्ञानी है, ये बिल्कुल बताया। ढिंढोरा पीटने वाला ज्ञानी नहीं है। आगे तो चलते हैं। जी। और इससे हमें याद आया, हम अभी जब लास्ट टाइम तीर्थ यात्रा पे गए थे तो हम रामेश्वरम गए थे, पुरी गए थे, तो माता पिताजी भी वहां से साथ आए थे। तो वहां पे हम एक मंदिर में गए थे जो मंदिर बन रहा था, और कभी क्या होता है मंदिर एक्सटेंड हो रहा होता है। तो वहां पे कुछ दान किया तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, और मेरे को लिटरली एकदम से हंसी आ गई थी जी। वो उन्होंने कहा कि आप ना अपने अपना नाम लिखवा दीजिए। तो मैंने कहा क्यों, नाम का आप क्या करेंगे? तो कहते कि भाई हम टैक्स के लिए हमको ये ऑफिशियली चाहिए होता है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप तो यही नाम, हम पता नहीं क्या उन्होंने वर्ड यूज़ किया, लेकिन यही नाम क्या हम जैसे टाइल पे लिखवा दें? मैंने कहा क्या टाइल, क्या मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो जो डोनेशन कर रहे हैं ना उनके सबके हम तख्तियां बनवा रहे हैं टाइल के ऊपर नाम लिख के, मतलब कि जैसे जो फ्लोर बन रहा है उसके ऊपर अगर टाइल है तो वो टाइल के ऊपर नाम लिखा हुआ है। जैसे किसी ने अगर बैठने का डेस्क बनवाया तो उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है कि किसने दान किया है। तो मेरे को एकदम हंसी आ गई। मैंने कहा उससे क्या फायदा होगा? तो उन्होंने कहा फायदा नहीं, जो आएंगे भक्त लोग उन्हें पता लगेगा कि आपने दान किया है। तो बिल्कुल आपने जो कहा, ऑब्वियसली जितने लोग नाम लिखवाते हैं ऐसे, और ऐसे ही नहीं, नाम छोटे और कुछ नाम बड़े, ऑब्वियसली शायद डोनेशन के हिसाब से रहता होगा। तो ये मेरे ख्याल से ये टेम्पल को भी नहीं पूछना, कहना, ऑफर नहीं करना चाहिए उन लोगों को, लेकिन शायद ये ऑफर करने से उनको डोनेशन ज़्यादा मिलती होगी तो वो भी इस वजह से करते हैं। लेकिन जो बेचारे इस चक्कर में फंस जाएं तो वो फंस ही गए फिर, तो वो उन्होंने एकत्रित कर लिया। और ये बिल्कुल सही बात है, और ऐसा बहुत जगह आता है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां आपके पाप मुक्त होते हैं, जैसे गंगा जी, गंगा जी में पाप मुक्त होते हैं। लेकिन बद्री का आश्रम में कहते हैं, और वो भी एक समय होता है जहां कहते हैं अगर वहां पे अगर जाओ आप तो आपके पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो काफी लोग वहां पे उस टाइम पे नहीं जाते कि भैया पापों को नष्ट करना है, पुण्यों को नष्ट नहीं करना। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें भगवान जो कहना चाह रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा अविनाश, हमको दोनों को ही, हमको फलों को नष्ट करना है। उसके अंदर हमारा कोई भेदभाव नहीं है कि वो अच्छा फल है कि बुरा फल है। क्यों? क्योंकि हमको मनुष्य जीवन जो है उसके उसको पूरी जो साइकिल है उसको खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए हमको फलों को सबको खत्म करना पड़ेगा। चलिए तो हम 4:38 पे चलते हैं। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। योग का परिपक्व फल है, मतलब योग करोगे तो ये फल मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है
वे यथा समय अपने अनंतर में इस ज्ञान का अवस्थान करता है। मतलब देखें, तीनों चीजों को एक ही में बता दिया, योग करेंगे तो भी ये फल मिल जाएगा, भक्ति में सिद्ध होंगे तो भी ये फल मिल जाएगा, और दिव्य ज्ञान तो आप ले ही रहे हैं। और फल कैसा मिलेगा? ये फल वैसा नहीं है कि ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि जो हमारी शुरू में डिस्कशन हो रही थी कि ज्ञान का मतलब ये है कि किसी ने वेद पुराण पढ़ लिए या कोई यज्ञ कर रहा है बस, या कोई सिर्फ कर्म कर रहा है, नहीं। उसके बाद उसकी जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, उसके अंदर से वो अवगुण खत्म होंगे, गुस्सा आना या जितने भी हम कहते हैं वो सारे के सारे, तो उस दिव्य ज्ञान की हो रही है। मतलब दिव्य ज्ञान वो जिसने मनुष्य जीवन को बदला है, वो जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं या हिंदी में भी कहें, इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज और विजडम, हिंदी में ज्ञान और विवेक। तो ज्ञान इतना काम नहीं आएगा लेकिन विवेक आएगा। क्यों? जैसे अगेन कई बार एग्जाम्पल, बहुत सटीक एग्जाम्पल लगता है कि कोई ऐसा डॉक्टर है जो ये कहता है कि सिगरेट नहीं पियो, और उसको मालूम है सिगरेट नहीं पियो लेकिन वो खुद सिगरेट पी, तो वो ज्ञानी है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए लेकिन विवेक नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा इस चीज का कि उसको नहीं पीनी चाहिए, लेकिन उसको मालूम है और वो लोगों को भी यही राय देगा और वो राय भी सही देगा, लेकिन वो खुद अपने ऊपर नहीं ले पा रहा। लेकिन यहाँ पे जो दिव्य ज्ञान है, वो जो दिव्य ज्ञानी है वो ले पा रहा है, उसको अपने सेंसेस पे कंट्रोल किया है या उसे अच्छी जगह इंगेज किया है, भक्ति भाव में लगाया है। इसके तात्पर्य में कोई चीज हो तो प्लीज समझा देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। तात्पर्य में ये लिखा है कि अगर हमारा काम करने का अगर मन नहीं कर रहा तो हम काम नहीं करेंगे, उसी प्रकार अगर हमें ज्ञान लेने की जिज्ञासा नहीं है ना जी, तो हम ज्ञान भी नहीं ले पाएंगे। मतलब कि मन नहीं कर रहा तो हम काम नहीं कर रहे, ज्ञान लेने की जिज्ञासा, जिज्ञासा दिखानी बहुत जरूरी है तभी हम ज्ञान ले पाएंगे। और उसका मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, पहली लाइन में लिखा है दिव्य ज्ञान में और आत्माधिक ज्ञान में और नॉर्मल ज्ञान में क्या फर्क है, जो 2-3 टाइप्स ऑफ जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, डिफरेंस बता दो तीनों के, स्पेशली दिव्य ज्ञान क्या चीज है। दिव्य, अभी मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। दिव्य ज्ञान तो भाई इस चीज को कहा है, नहीं यहाँ पे तो लिख रही हूँ, ये भी बात आपने सही कही, लेकिन नहीं, कॉन्टेक्स्ट की हम बात देख रहे हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है। हाँ, तो जो दिव्य ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान वो है जिसको हमने शुरू में कहा, और सही कह रहे हैं, वही टॉपिक है वो, जो तीनों गुणों से ऊपर जो हमेशा सच है उसके बारे में, और वो मेनली वो है कि हमारा भगवान के साथ में क्या रिश्ता है, राइट, क्योंकि वही रिश्ता है। जैसे हमने कहा बाकी सारे रिश्ते हैं वो खत्म हो सकते हैं और खत्म होते भी हैं समय से, लेकिन भगवान के साथ जो रिश्ता है वो कभी खत्म नहीं होता, हम माने या ना माने। जैसे कि हमने जो स्टोरी देखी, उस स्टोरी के अंदर वो जो बच्चा था, वो जो आदमी था, उसका राजा के साथ जो रिश्ता था वो भूल गया था लेकिन राजा नहीं भूले थे, तो वो है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान ये है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान ये है कि हम परमात्मा का अंश है। दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान ये है कि सब कुछ माया है। माया का मतलब क्षण भंगुर है, वो क्षण सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, घंटा हो सकता है, और महीना हो सकता है, साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये दिव्य ज्ञान है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर हम ज्ञान से अलग हो जाएं, अपना अविज्ञा इग्नोरेंस से अलग हो जाएं, अगर हमको किसी चीज का बंधन नहीं है, किसी भी चीज के साथ में आसक्ति नहीं है, तो वो हमारा दिव्य ज्ञान है, ठीक है, ये चीज हुई। तो और यूजली जो हम स्पिरिचुअल ज्ञान कहते हैं, जो हमारा आपने क्या वर्ड यूज किया, आध्यात्मिक, तो जो हम आध्यात्मिक कहते हैं वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअल ये है, ये जो हमें नॉलेज है, वही वाली बात कि भगवान के बारे में हमें नॉलेज है कि भाई हमें पता लग गया, जैसे कि भाई योगेंद्र ने कहा कि हाँ हमें पता लग गया शीरो दक्षाए जो है वो परमात्मा, ये स्पिरिचुअल ज्ञान हो गया। ये भौतिक ज्ञान नहीं है, ये मटीरियल वर्ल्ड के बारे में नहीं है, ये जगत से ऊपर की बात है, लेकिन ये भी सिर्फ ज्ञान है, ये
ये ट्रांसेंडेंटल नहीं है, ये दिव्य ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उभरा नहीं है हमारे अंदर, राइट। एक तो मटेरियल, मतलब आपने तीन ज्ञान बोले, एक तो मटेरियल ज्ञान हो गया नॉर्मल, कि भाई पैसा कैसे बनाते हैं वो हो गया, गाड़ी कैसे चलती है वो हो गया, फ्रिज कैसे सही करना है वो हो गया, ये तो मटेरियल नॉर्मल ज्ञान हो गया किसी भी चीज़ का। फिर एक है कि भाई आपको स्पिरिचुअल ज्ञान हो गया, आपको अब आध्यात्मिक ज्ञान हो गया, कि अब आपको ये मालूम है कि भगवान के बारे में, जो जगत से बाहर की बात है, भौतिक जगत के ऊपर की बात है, उसका ज्ञान हो गया। लेकिन वो ज्ञान आपको नॉलेज के रूप में है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। फिर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया जब उसको, कि भैया अब तो मैं जिस तरीके से बिहेव करता हूँ उससे पता लगता है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, राइट। तो वो दिव्य ज्ञान हो गया, दिव्य ज्ञान इम्प्लीमेंटेशन हो गई, कि अब आपको पता है और आपके एक्शन से वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, पता लगता है, आपको पता लगता है, सबको पता लगता है। तो ये तीन लेवल के रियलाइजेशन हो गए। अब आप इनको अलग अलग नाम दे सकते हो, अलग अलग स्टेजेस कह सकते हो, जो भी आप इसको कहना चाहो वो कह सकते हो। और कुछ अगर ऐड करना चाहो? समझ आ गया पूरा। 4 श्लोक और बचे, छोटे छोटे, अगर खत्म कर सकते हैं, मेरे को लगता है 10 मिनट के अंदर, अगर सब सब रुकना चाहे तो। जी ओके, चलें, अगर कोई कुछ नहीं कह रहा तो हम अगले श्लोक खत्म करते हैं। कोशिश अक्सर हमारी खत्म करने की नहीं होती है, लेकिन हम कोई नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर हम समराइज कर सकते हैं अगले लेसन में। तो 439, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। तुरंत मतलब कि वही चीज है, क्योंकि क्यों नहीं करेगा? ये वो वाली बात है कि आपकी जेब के अंदर 100 रुपए रखे हैं, राइट। आपको सिर्फ उसको रियलाइज करना है, तुरंत आपके पास में आप 100 रुपए ज्यादा अमीर हो गए, कि आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए रखे हैं, आपको जैसे ही पता लगा आप करोड़पति हो गए, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत। तो अगर देखें तो हमको जो अपने इंद्रियों के ऊपर जैसे ही वश हो गया, उसके बाद हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान हमको उसी टाइम सीधा सीधा मिल गया। इसके लिए कोई ज्ञान की लहर हमारे अंदर नहीं आएगी। हाँ, वो बात अलग है कि मेडिटेशन में बैठ गए, अपने आप को बहुत सारी चीजों से विरक्त किया, लेकिन जो भी विरक्त करेंगे वो साधना का रूप है, कि हम उस इन इंद्रियों से बाहर निकल रहे हैं। तात्पर्य में कोई चीज ऐसी तो प्लीज बताएं। कि अगर हम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर ले और इंद्रियों को वश में कर ले तो हमें इमिडिएटली भगवान का रियलाइजेशन हो जाएगा, और इमिडिएटली हमें पीस प्राप्त हो जाएगी, पीस ग्रांट मिल जाएगी, बिल्कुल, और मन संयम संयम हो जाएगा, हाँ जी, और हम पूर्ण शीघ्र ही पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे बात हुई, हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा की जो क्वालिटी है सत्य चित आनंद, वो हमारे अंदर ही है, तो वो हम एकदम से रियलाइज कर लेंगे उसके अंदर, और कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं अपने अंदर ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, आपके अंदर ही है जो भी सत्य है, वो सही कहते हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं। तो अगर हम अगले पे जाएं, 40वें पे, किंतु जो अज्ञानी अज्ञानी, अभी पहले लास्ट में बात हुई, जो ज्ञानी है और श्रद्धालु है, श्रद्धालु ज्ञानी दिव्य ज्ञानी, यहाँ पे किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, ऋषि आप सुन रहे हैं ना, वे भगवत जी, अजीब है जी, बिल्कुल। हाँ, और ऑफेंसिव फील मत कीजिएगा, मैं हमेशा ये मानता हूं कि अगर विश्वास नहीं है तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि कुछ भी लिखा हो, अगर आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई मैं इस कैटेगरी के अंदर आता हूं क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है, नहीं है तो नहीं है, झूठ नहीं होना चाहिए। वह भगवत भगवतामित्र भगवत भगवत आवना मित्र, भावना मित्र, अच्छा भगवत भावना मित्र नहीं प्राप्त करते, अच्छा भगवान की भावना उनको प्राप्त नहीं होती, अपितु नीचे गिर जाते हैं। भगवान भावना अमृत, भगवान भावना अमृत, हाँ जी, भगवान की भावना का अमृत नहीं प्राप्त करते, हाँ अपितु नीचे गिर जाते हैं, संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में, मतलब संशय करते हैं, जो जो डाउट करते हैं,
तो इसलिए कहते हैं कि खूब डाउट करो और लेकिन गुरु के ऊपर डाउट करो, लेकिन गुरु बनाने से पहले गुरु को जज करो। गुरु से प्रश्न तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु बनाने से पहले जितने डाउट करने हैं पूछ लो। लेकिन एक बार ये कन्विंस हो गए कि भाई ये गुरु सही है, तो उसके बाद वो गुरु जो कहे वो मानना चाहिए उससे। आसाराम बाबू जेल में चला जाए फिर भी इसकी बात मानते रहो? नहीं 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 मानते रहो, आपने कहीं पे बना लो बाद में पता चले व्हेनेवर यू नो ही इज रॉन्ग जस्ट स्टे अवे। नहीं, गुरु जिंदगी भर थोड़ा साथ रखना है भैया, पांडवों ने गुरु को जिंदगी भर साथ रखा। नहीं, भगवान राम के वेद व्यास गुरु थे, उसके बाद नहीं ऋषि व्यास थे, उसके बाद एक विश्वामित्र थे, छोड़ के फिर आगे बढ़ना होता है भैया, जिंदगी भर गुरु की उंगली थोड़ा पकड़नी पड़ती। बिल्कुल सही है, गुरु की उंगली जिंदगी भर नहीं पकड़नी, गुरु के साथ भी आपको जिंदगी भर नहीं रहना। वही बात है ना, ही गुरु आपके साथ जिंदगी भर रहेगा ना आप गुरु के साथ जिंदगी भर रहोगे। गुरु के साथ तो जिंदगी भर रहना है, कृष्ण भगवान ही हमारे परम गुरु है, उनके साथ तो रहना जिंदगी भर। हाँ, भगवत गीता खुद प्यार जैन करते रहो, खुद जैन कर लो। इन्होंने लिखा जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, डाउट मतलब जिस लोग ज्ञानी है और जो श्रद्धाविहीन संदेह करते हैं वे, हेलो नीचे, हाँ वे भगवत, वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते। भगवान ने भगवत भागवत भावना अमृत जो मतलब ये भी शास्त्र को जो नहीं शास्त्र पढ़ते वो नीचे गिर जाते हैं। जी बिल्कुल, भगवत भावना अमृत जी नहीं प्राप्त करते। बिल्कुल जी, तो जो शास्त्र को नहीं करते ना, ज्ञानी शास्त्र वगैरह नहीं पढ़ते और भगवत भावना की अमृत भी प्राप्त करते वो नीचे गिर जाते हैं। और सही आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में, ना ही परलोक में कोई सुख है, ऐसे लोगों के लिए ना ही लोक में ना परलोक में कोई सुख भी नहीं है जी, जो शास्त्रों में संदेह करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है, तो जी तो हमको हमको श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रों जी, लेकिन अगर हमें इन केस किसी वजह से नहीं कोई चीज़ समझ में आए तो हमको ज़रूर हमको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। और अविनाश आप जैसे गुरु के लिए कह रहे थे, ये भी हमारे शास्त्रों में है कि अगर गुरु का पतन हो जाए, और रीजंस भी हैं किस किस वजह से पतन हो जाए गुरु का, तो जैसे आपने कहा गुरु जो जेल चला गया या उसका कैरेक्टर गिर गया तो वो गुरु का पतन हो गया, तब वो लिखा है साफ साफ कि आप गुरु को छोड़ दो। ऐसा आता है कि गुरु को आप कब कब छोड़ सकते हो, उसके अंदर आता है एक हिस्सा कि गुरु का पतन हो जाए और किस किस वजह से पतन हो सकता है गुरु का, तो आप गुरु को छोड़ सकते हैं। ओके भैया, गॉट इट। तो अज्ञानी तथा, तो हमें बस हमें हमें ज्ञानी बनना है और हमको श्रद्धा रखनी है, बहुत अच्छा। तो कुछ इसमें तात्पर्य में कोई ऐसी चीज हो तो प्लीज बताएं। पूरा 100% कवर कर लिया। चलो वेरी नाइस, तो हमारा ये 40 रहा, हम 41 पे जाते हैं, 42 जो है इसके बाद एक वर्ष और है हमारा। दिव्य, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, बहुत अच्छा जी, क्या करनी है, भक्ति करनी है, कैसे करनी है, कर्म फलों का परित्याग करके, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता, कर्मों के बंधन से नहीं बनता मतलब कर्म करेगा लेकिन उससे कोई बंधन उत्पन्न नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसके कोई फल नहीं होंगे, ना अच्छे फल ना बुरे फल। तो भगवान ने कहा कि भाई इस चीज़ का बिल्कुल मत सोचो कि जीत जाओगे तो राज्य का भोग करोगे, क्योंकि अर्जुन ने इंजॉयमेंट की बात करी थी पहले कि मैं भोग किसके साथ में करूँगा, ये सारे लोग तो मर ही जाएंगे मेरे रिश्तेदार, तो इस राज्य का फायदा क्या होगा मेरे को, तो वो भोग करना चाह रहे थे। भगवान ने कहा भोग की भी बात ना करो, और अगर इसमें मर भी जाओगे तो भी आपको परलोक मिलेगा क्योंकि क्षत्रिय और अपना काम कर रहे हो। तो भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा अर्जुन को पूरी भगवद गीता में कि मैं साथ में हूँ, चल लड़, तेरा कुछ नहीं होगा तू, नहीं, हाँ ये जरूर कहा एक जगह कि कह दो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कहा कि भाई ये लड़ोगे तो डेफिनेटली जीत होगी तुम्हारी, मैं बताता हूँ लड़ो, नहीं। भगवान ने कहा विश्वास रखो, अच्छा कर्म करो, और जैसे यहाँ पे लिखा है
भक्ति कैसे करनी है, अपने फलों के कर्मों का परित्याग करते हुए, और दिव्य ज्ञान से क्या करेंगे, दिव्य ज्ञान से सारे के सारे संशय खत्म हो जाएंगे। तो अगर हमारे अंदर संशय हैं जो कि होते हैं, वो कैसे जाएंगे, दिव्य ज्ञान से जाएंगे। और दिव्य ज्ञान कैसा है, वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक ज्ञान नहीं है कि जैसे हमने कहा कि कार के बारे में, ये भगवान के बारे में हम जान रहे हैं। और मजे की बात है कि भगवान के बारे में जानने से ज्यादा हम अपने बारे में जान रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन किसी से ये पूछें, यहाँ पे सबसे छोटे हैं, तो अगर आप अपने देखें कि अगर आप किसी से ये पूछ के देखें कि भाई आप कौन हैं, तो देखें कि लोग कैसा कैसा जवाब देते हैं। अपने घर के अंदर एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, और बच्चों से लेके बड़ों तक। सबसे छोटी आन्या है, आराध्या, हम आन्या कहते हैं उनको, तो आद्या से, आराध्या से उनसे पूछ के देखें आप कौन हो, तो उनके जवाब देखें आप क्या आते हैं। और फिर घर में जो सबसे बुजुर्ग है उनके पास जाके पूछें कि आप कौन हो, फिर उनके देखें क्या जवाब आते हैं। और फिर उनको कोई, ये तो टेम्परेरी है, अगर कोई कहे मैं आद्या हूँ, क्योंकि ये तो टेम्परेरी है, आइडेंटिफिकेशन है। कल को अगर आपका नाम आद्या की जगह ऐश्वर्या होता तो आपको ऐश्वर्या बुलाते, या रोशनी होता तो रोशनी बुलाते, या कुछ भी बुलाते, तो ये तो टेम्परेरी है। अगर कहीं बॉडी है, कहीं बॉडी तो 30 साल के बाद चेंज हो जाएगी, वो बॉडी भी आप नहीं हो, तो आप हो कौन, ये इंद्रियां हो क्या, आप हो क्या चीज आप। सबसे ज्यादा मजे की बात ये है कि हम इस विवेक से, इस ज्ञान से अपने आप को जानना शुरू करते हैं, अपने आप को, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे माँ बाप छोड़ दें, अपने हस्बैंड वाइफ छोड़ दें, हमारे बच्चे छोड़ दें, लेकिन हम अपने आप को कभी नहीं छोड़ेंगे अंत तक। तो अपने आप को जानने का इससे अच्छा कौन सा प्रोसेस है। चलें जी, तात्पर्य में कोई चीज हो तो बताएं, दो ही सेंटेंस लगते हैं, तीन, कुछ नहीं, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस। तो चलिए हम आखिरी श्लोक करते हैं, 442, हमारा चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान समाप्त होगा। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग के संभवित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो जितनी चीजें अर्जुन ने पहले कही थी, भगवान उन सब का आंसर देके बार बार यही कहते हैं कि देखो ये जो कहा है इसकी भी सुनो, और फिर सुनो कि क्यों आपको युद्ध करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन ने ये कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, तो भगवान बार 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 एक्सप्लेनेशन देके कह रहे हैं युद्ध करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, निष्काम कर्म योग की तरह करना चाहिए। युद्ध करो लेकिन उसकी फल की इच्छा ना करो, हारे तो भी कुछ नहीं, जीते तो भी कुछ नहीं, और जितनी भी कठिनाइयां आएंगी उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कहा कि भाई अष्टांग योग के लिए बात हुई, या ज्ञानी के लिए बात हुई, ब्रह्मचारी के लिए बात हुई, सन्यासी के लिए बात हुई, गृहस्थ के लिए बात हुई, सबके लिए बात हुई। ये हम सारे के सारे इनमें से किसी ना किसी आश्रम में होते हैं, किसी ना किसी वर्ण में होते हैं। तो जो भी आपका है, जैसे वो क्षत्रिय थे, हम में से कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई वैश्य हो सकता है, कोई शूद्र हो सकता है, कोई ब्राह्मण बनने की कोशिश कर सकता है। तो कौन से वर्ण में है, कौन से आश्रम में है, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, वानप्रस्थ हैं, और कौन कौन से हमारे अंदर गुण हैं। गुणों की बात हुई चैप्टर 4 के अंदर, कि अपने तमोगुण को हटाओ, रजगुण को संभालो, और कब उसका यूज़ करना है, कब नहीं करना, और सतयुग जो है कोशिश करो सतगुण को ऊपर उठाओ, और लेकिन सतगुण की भी इच्छा ना करो कि उससे भी फल की कोई इच्छा हो। तात्पर्य में कोई चीज़ हो तो बताएं प्लीज। सबसे नीचे लिखा है अथा गीता में भी अव्यय भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए, और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म शलाद व अन्यों को वास्तविक पथ में विपरीत करते हैं। मतलब वही एसोसिएशन, कि हमें ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए जो इस मार्ग पे हैं, जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चीज कोई बताना चाहे, दिव्य ज्ञान देने के बाद अब कुछ भगवान दोबारा से उसको कह रहे हैं कि इस योग को जानकर तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। मतलब कि दिव्य ज्ञान जो मैंने तुम्हें दिया है, इसको जानकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। बट अगले चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में वो फिर से कह रहा है
कि आप मुझे कर्म त्यागने के लिए आदेश दे रहे हैं, दोबारा से उसके मतलब डाउट्स खत्म नहीं हो रहे जो आप कल बताओगे। बिल्कुल इतना बड़ा ज्ञान देने के बाद अर्जुन ने फिर जी से डाउट शुरू कर दिया। पांचवें चैप्टर का पहला श्लोक फिर से डाउट से शुरू हुआ है। अब जी आपने बताया कि डाउट नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में हमें डाउट नहीं करना चाहिए, हाँ, लेकिन संदेह नहीं करना चाहिए, और अर्जुन ने फिर डाउट करके पहले सवाल पूछ लिया फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में। जी नहीं, हाँ नहीं, संदेह संदेह अलग है, डाउट वो क्वेश्चन है, जैसे कहा प्रति प्रश्न सेवय, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो? क्वेश्चन ऐसे होता है जैसे वो कहेंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, या वो कहेंगे कि आपने बताया तो लेकिन आप थोड़ा और डिटेल में समझा सकते हो। और संशय क्या होगा? संशय ये होगा, आप जो कह रहे हो ना ये मेरे को ना ठीक नहीं लग रहा, जो आप कह रहे हो ना ये गलत सा लग रहा है मेरे को, ये संशय हुआ। लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे, प्रति प्रश्न, पूरा हमारे सारे वेद पुराण जो है वो सारे यही हैं क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन किस भावना से वो उस वर्ष के अंदर आया, प्रति प्रश्न सेवया, कि एक सरेंडर होके कि जो आपने कहा वो मेरे को समझ में नहीं आया, प्लीज आप मेरे को समझा दीजिए। और अगले श्लोक का, अगले चैप्टर का अगर फर्स्ट श्लोक अगर आप देखोगे तो अर्जुन ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो पहले, भगवान आप पहले तो मुझसे कर्म त्यागने के लिए हाँ कहते हो जी और जी फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए कहते हो। तो हाँ क्वेश्चन ये करता है कि आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हो, भगवान कहेगा कि मैं कर्म व फल त्यागने के लिए कहता हूँ, हाँ तो वो कल से पता चलेगा। कल बिल्कुल मिलते हैं, आज बिल्कुल। और मजा आया भैया बहुत, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा। चलिए जी, सभी को प्रणाम। कुछ बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। जी नहीं, आए कल कल, और आगे चैप्टर 5 शुरू करेंगे हम। सर चैप्टर 5 बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने चैप्टर 3 में कर्म योग की बात करी, इसमें दिव्य ज्ञान की बात करी, अब दोनों चीज़ों को मिलाकर तरीके से हमको कर्म करने चाहिए उसके बारे में बात आएगी, जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं भगवद गीता को। तो वो कल चैप्टर 4 अध्याय 5 हम कल से शुरू करेंगे, इसी समय हम, वेल अब 1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटा हो गया, हमारी कोशिश होती है 1 घंटा 1.25 घंटा हो जाए, लेकिन आज चैप्टर हमने फिनिश किया है इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया, अतः 1.5 घंटे पहले हम शुरू करेंगे। तो चलिए कल मुलाकात करते हैं। प्रणाम सभी को, माताओं को। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।